What's up यार, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फुल OLL। मैं पहले ही बता दूं, फुल OLL में 57 एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग याद नहीं कर पाते, इसलिए इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को फुल OLL सिखाने वाला हूं, वो भी बिना किसी एल्गोरिथम के। हाँ, आप लोग बिना किसी एल्गोरिथम के फुल OLL के मास्टर बन जाओगे अगर आप लोग ये वीडियो देख लो। इस वीडियो को देखने की सिर्फ एक शर्त है, आप लोगों को टू लुक OLL आता हो, क्योंकि टू लुक OLL में 5-7 एल्गोरिथम है, 5-6-7 7 एल्गोरिथम्स है ऑलमोस्ट ना। अगर आप लोगों को टू लुक OLL आता है तो आप लोग ये वीडियो देख लो, अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू लुक OLL का, पहले वो सीखो फिर ये वीडियो देखना। और ये असल में मैंने 10 पार्ट्स में अलग अलग वीडियो बनाई थी और अब मैंने उन सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया है, ठीक है, तो एक ही वीडियो में आप लोग OLL सीख जाओगे। तो आई थिंक अपने ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। फाइनली लर्न स्पीड क्यूबिंग की उस वीडियो के साथ आ गए हूँ जिसका तुम सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, वन लुक OLL या एडवांस्ड OLL बोल दें। मैं फ़र्क बता दूँ आप लोगों को, टू लुक और वन लुक में फ़र्क क्या है। भाई, टू लुक में क्या होता था, सबसे पहले हम एक एल्गोरिथम लगाते थे और उससे हम क्रॉस बनाते थे, उसके बाद हम एक और एल्गोरिथम लगाते थे और उसके बाद टॉप पूरी येलो होती थी। यानी टू लुक में हमें टॉप पे सारा येलो करने के लिए दो एल्गोरिथम का यूज़ करना पड़ता था, पहले में क्रॉस बनाते थे और दूसरे में पूरा ओरिएंट करते थे बाकी के कॉर्नर्स को। जबकि वन लुक OLL में आप लोगों ने सिर्फ एक एल्गोरिथम लगाना और आपके टॉप पे हो जाएगा सारा येलो। कुछ लोग बहुत मुश्किल समझते इसको, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद हलवा लगने लग जाएगा, भाई मुझे नहीं पता, ये वीडियो पूरी देखो। और हाँ यार, ये वीडियो देखने से पहले टू लुक OLL आपको आना चाहिए, ठीक है ना। टू लुक OLL अगर नहीं आता तो सीख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू लुक OLL की वीडियो का, क्योंकि फुल OLL या वन लुक OLL या एडवांस्ड OLL में टू लुक OLL वाले भी केसेस हैं। पहला पार्ट वही है, तो मैं दोबारा नहीं था बनाना चाहता, मैं आपको यहाँ पे एक जल्दी से बता देता हूँ कि आखिर वो कौन से केसेस थे। सबसे पहला केस था सून और इसको हम ऐसे सॉल्व करते थे, दूसरा केस था एंटी सून और इसको हम ऐसे सॉल्व करते थे। मैं यहाँ पे आप लोगों को टू लुक OLL का सिर्फ एक छोटा सा नमूना दिखा रहा हूँ, डिटेल में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके सीख लेना। तीसरा केस था डबल हेडलाइट्स का, उसको हम एफ ट्रिपल सेक्सी एफ प्राइम से सॉल्व करते थे। अगला केस कुछ इस किस्म का आता था कि यहाँ पे इस तरह हेडलाइट्स थी और यहाँ पे कुछ ऐसा था, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करते थे और फिर एफ सेक्सी एफ प्राइम। एक केस ऐसा था जो आपके ऐसे हेडलाइट थी, उसको हम एक बहुत ही मनूस एल्गोरिथम से सॉल्व करते थे। एक केस कुछ इस किस्म का था जिसको हम एफ प्राइम सेक्सी और स्लेज हैमर के पहले तीन मूव से सॉल्व करते थे। और फाइनली एक केस कुछ इस किस्म का था जिसमें आउटर हेडलाइट थी और हम उसको सेक्सी स्लेज हैमर से सॉल्व करते थे। अगर तो आप लोगों को ये सारे केसेस आते हैं तो मतलब आपको टू लुक OLL आता है, और यही पहला पार्ट है वन लुक OLL का। लेकिन आज हम इसको स्किप करते हुए अपना उससे आगे टी शेप के OLL, स्क्वेयर शेप के और सी शेप्स के शुरू करने वाले हैं। अगर आपको भी समझ नहीं आ रही तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अब समझ जाओगे। दोबारा बता रहा हूँ, जो अभी हमने केसेस 4-5-6 पीछे मैंने अभी दिखाए हैं वो आप लोग डिटेल में डिस्क्रिप्शन से सीख सकते हो। तो भाई, अगले वन लुक OLL में पहले केसेस हम सीखने वाले हैं टी केसेस। भाई साहब देख लो, दोनों में टी है, ऊपर से तो दोनों में टी है, लेकिन जो ही आप लोग साइड से देखते हो तो भाई एक टी के यहाँ पे दोनों में येलो है, पीछे भी दोनों में येलो है, जबकि एक जो है उसमें एक एक में येलो है। भाई अगर ऐसा टी केस आए, ये टी बना हुआ है, तो आप लोग होल्ड इसको कैसे करोगे, ये इस तरह टी को रखोगे ऐसे और ऐसे, ऐसे टी आना चाहिए, ये जो पूरी बार है वो राइट साइड पे, और एक दफ़ा एफ सेक्सी एफ प्राइम कर देना, भाई जैसे क्रॉस बनाते थे। हो गया ना OLL सॉल्व, इससे भी आसान है आगे सब कुछ। दूसरा टी का केस कुछ इस किस्म का है जिसमें यहाँ पे भी ब्लॉक्स है, मतलब येलो का, और यहाँ पे भी है, तो होल्डिंग पोजीशन सेम होगी तुम लोगों की, ये टी इस तरह रखना है तुम लोगों ने, ये राइट साइड पे आएगा पूरा तीन कलर्स, और एक दफ़ा सेक्सी मूव आर यू अर्प्रेम यू प्रेम, और एक दफ़ा स्लेज हैमर। हो गया सॉल्व भाई, हो गया सॉल्व। अगर तुम लोगों को ये सेक्सी मूव और स्लेज हैमर की समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है तुम लोगों ने हमारी वो वीडियो देखी नहीं जिसमें मैंने तुम लोगों को एल्गोरिथम्स याद करना सिखाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स, वो भी देख लो तो ये वीडियो और आसान हो जाएगी। अच्छा, इस केस की फिंगर ट्रिक्स आपको एक दफ़ा बता दूं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, मैं इसको किस तरह फिंगर ट्रिक करता हूं। पिछला केस तो ईजी था, वो तो सबको ही आता है, आर यू आर प्रेम यू प्रेम आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और फास्ट में ये कुछ ऐसा दिखता है।
अगले दो केसेस हैं स्क्वेयर, हम इनको स्क्वेयर बोलते हैं यार, देखो वैसे ही कुछ बना बना, बट जो ही हम इन दोनों को राइट पे रखते हैं अपने, मतलब ये तो लेफ्ट पे चले गए ना, ये रहा राइट, जो ही हम इन दोनों को राइट पे रख के इनके लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो गौर करना, इसके जो बार है वो इस तरफ है, मतलब येलो वाला उधर थोड़ा पीछे है, जबकि इसके वाला इधर है। कुछ फ़र्क मिल रहा है तुम लोगों को, मुझे बताओ। अच्छा इसको बाद में देखते हैं, जिसके ये येलो वाला इस तरफ है, इस तरफ, तो उसकी होल्डिंग पोजीशन ऐसे ही रहेगी भाई, इसको हम बैक में भेज देंगे इस ब्लॉक को, मतलब हमने ये सबसे पहले राइट में रख के देखा कि यहाँ वाला येलो इधर है या इधर है, फिलहाल इधर पीछे है, पीछे अगर तो पीछे हो तो इस वाले को फ्रंट पे ले आएंगे और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। बट मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं पहले एक दफ़ा फिंगर ट्रिक्स दिखा देता हूं। स्मॉल आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। अब मैं तुम लोगों को इसको किस तरह लर्न करना है वो बता देता हूँ इंट्यूटिवली। अगर मैं तुम लोगों को कहूँ कि ये पेयर तुम लोगों ने यहाँ भेजना है, मतलब ये पेयर बाहर निकालना है बैक पे, तो तुम लोग क्या करोगे, आर यू टू आर प्राइम, पेयर जो था वो इधर आ गया, ऐसा ही है, सेम शुरू में ऐसा ही हो रहा है, बट पहला मूव है स्मॉल आर, स्मॉल आर मतलब देखो हम स्मॉल आर से ये पूरी चीज़ बैक में भेज रहे हैं, स्मॉल आर ये ऊपर आ गया, यू टू आर प्राइम, ठीक है। अब हम इस पूरे ब्लॉक को एक दफ़ा यहाँ पर ला रहे हैं और अब इस ब्लॉक को यहाँ दोबारा इंसर्ट कर रहे हैं आर यू प्राइम आर प्राइम से। और यार ये हो गया ना, ये स्पीड पे बहुत, मतलब बहुत ही फास्ट लगता है। और जो दूसरा केस था जिसमें हमने सबसे पहले इस स्क्वायर को अपने इस तरफ रखा और इधर देखा तो हमें पता लगा भाई ये इस तरफ है, तो इसकी होल्डिंग पोजिशन यही रहेगी भाई, हाँ इसको हम ऐसे नहीं पकड़ेंगे, इस ब्लॉक को हम इधर ही रखेंगे, इसको यहीं रहने देंगे। और सेम 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 जो हमने पिछले केस में किया फ्रंट से, वो हम बैक से करेंगे, यानी जो बैक पे ये वाला ब्लॉक है उसको हम बाहर निकालेंगे, स्मॉल आर प्राइम यू टू स्मॉल आर से, ये देखो ये जो बैक पे ब्लॉक है ये बाहर आ जाएगा, स्मॉल आर प्राइम ये बाहर आ गया, यू टू अब आर एक दफ़ा कर देंगे, अब इसको एक दफ़ा आगे बढ़ाएंगे और इस सारे को पीछे इंसर्ट कर देंगे आर प्राइम यू स्मॉल आर से। और ये बहुत फास्ट है, अगर मैं ये फास्ट करके दिखाऊं तो तुम लोग हैरान हो जाओगे। अच्छा मैं इसको फिंगर ट्रिक कैसे कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। मैं सबसे पहले रीग्रिप करता हूँ इस एल्गोरिथम के लिए, रीग्रिप किया, स्मॉल आर यू टू आर यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम यू, और मैं ये अपनी रिंग फिंगर से स्मॉल आर करता हूँ और ये एक बड़ी स्मूथ सी ट्रांजिशन हो जाती है अगर तुम लोग इसको समझ सको तो। ये मैं रिंग फिंगर का ज़रूर यूज़ करता हूँ, पता नहीं क्यों करता हूँ, बट यार आई थिंक ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ये सेम केस है। हाँ मैं करता हूँ ये देखना, बहुत गौर से देखना यार किस तरह तुम लोगों को दिखाऊँ, मतलब तुम लोगों को मैं अभी दिखा नहीं सकता, बट मैं करता हूँ भाई लास्ट वाला जो स्मॉल आ रहा है वो मैं रिंग फिंगर से करता हूँ। ये बहुत शायद हो सकता है एडवांस लेवल की फिंगर ट्रिक हो, बट मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगता है। और ये है आज के लास्ट दो केसेस, हम मज़ीद इस पे 6 या 5 वीडियोस अपलोड करेंगे और उसमें आप लोगों का ये सारा OLL क्लियर हो जाएगा। मैं अभी तुम लोगों को डराना नहीं चाह रहा, OLL में 57 एल्गोरिथम्स होते हैं जिसमें से 2 LOOK OLL में 7, 8, 9 निकल जाते हैं और 3-4 अब तक तुम लोग सीख चुके हैं, तो बाकी 45 कोई बचे हैं वो तुम लोगों को 5 वीडियोस में अगली क्लियर करा दूंगा। अच्छा ये है हमारे आज के आखिरी दो केसेस, सी बना हुआ देख लो। अच्छा अब एक सी के, ये सी के बैक में पूरी बार है और एक में एक डॉट है, देख लो ये सी दोनों में ऊपर से सेम है, जो ही हम बैक से देखते हैं एक में बार है और एक में डॉट है। जिसमें बार है ना वो बहुत इजी है, बहुत इजी एल्गोरिथम है। सबसे पहले मैं रीग्रिप करूंगा आर प्राइम यू प्राइम, तुम लोगों को आर प्राइम यू प्राइम याद करना पड़ेगा, आर प्राइम यू प्राइम स्लेज हैमर आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, अब यहाँ से यू पुश करूंगा यू आर, और ये बहुत ईजी है। मैं तुम लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ कि आखिर मैंने किया क्या, आर प्राइम यू प्राइम तुम लोगों ने याद कर लिए पहले दो लेटर्स, एक दफ़ा स्लैच हैमर किया और लास्ट तो देख के तुम लोगों को पता लग गया कि अच्छा यू और आर ईजी। ये रहा हमारा लास्ट केस, सी बना हुआ है और बैक में डॉट है, होल्डिंग पोजिशन यही रहेगी, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे रहेगा भी सी इस तरह आएगा तुम लोगों के सामने इस तरफ। और अच्छा ये एल्गोरिथम से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, सेक्सी मूव होता है आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ऐसे ही है, लेकिन इस एल्गोरिथम में शुरू में आर यू
आर टू प्राइम यू प्राइम है, मतलब सेम सेक्सी मूवी है, लेकिन आर यू आर प्राइम यू प्राइम की जगह आर यू आर टू प्राइम यू प्राइम है, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले रीग्रिप करूँगा आर यू आर टू प्राइम यू प्राइम। अब आगे के तुम लोगों को दो लफ्ज याद करने पड़ेंगे, आर प्राइम एफ, ये याद कर लिया तुम लोगों ने। अब इस पेयर को तुम लोगों ने बैक में सॉल्व करना है, लेकिन देख लो कि ये जो क्रॉस पीस है ये वो टॉप पे है, मतलब कि इस क्रॉस पीस को ठीक करते हुए तुम लोगों ने इस पेयर को ठीक कर देना है, इस तरह ठीक हो गया। और लास्ट पे तो देख के पता लग रहा है भाई ये पेयर इससे अटैच करके तुम लोग ठीक कर दोगे और हमारा ओवरऑल सॉल्व हो गया। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले सेक्सी मूवी है, लेकिन आर यू आर टू प्राइम यू प्राइम है, ठीक है, आर यू आर टू प्राइम यू प्राइम। आर एफ याद करना है तुम लोगों ने आगे, और अब सबसे पहले इस पेयर को सॉल्व करना है कुछ इस तरह, और लास्ट में इस पेयर को। और अब इसकी फिंगर ट्रिक्स दिखा देता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले मैं इसको, मतलब क्या कहते हैं उसको यार, मैं क्या क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मतलब मैं वो केस बना लूँ, ये है वो केस, मैं इसको इस तरह फिंगर ट्रिक करता हूँ, मैं रीग्रिप नहीं करता। आर यू पुश कर रहा हूँ आर टू प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम एफ आर यू आर यू प्राइम एफ प्राइम, और ये बहुत फास्ट है यार, बहुत फास्ट। वैसे अगर यहाँ पे तुम लोग कुछ एडवांस फिंगर ट्रिक सीखना चाहते हो तो सीख लो मुझसे, मैं यहाँ पे भी रिंग फिंगर का यूज़ करता हूँ लास्ट एफ प्राइम के लिए, कैसे ये देखना, और यहाँ से F प्राइम में करता हूँ इस तरह, बहुत फास्ट है। शुरू में ना तुम लोग ये सीखना भाई काम ख़राब कर लोगे, लेकिन एक दफ़ा तुम लोगों को अब फास्ट एल्गोरिथम लगा के दिखा देता हूँ। ये सेम केस है, और भाई ये यहाँ से F प्राइम। और इसी के साथ आज की वीडियो में तुम लोगों ने T स्क्वायर और C शेप के केसेस सीख लिए, भाई आगे बहुत मज़ेदार केसेस आने वाले हैं। और ये वीडियो तो फिर भी शायद थोड़ी मुश्किल हो, आगे आने वाली वीडियोस इससे भी आसान होगी, क्योंकि हम मुश्किल मुश्किल चीज़ें पहले कवर कर देंगे और उसके बाद आखिरी की वीडियोस बहुत आसान आने वाली हैं। तो भाई बस चैनल के साथ बने रहो ना, और भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और हमारी ये सीरीज़ मतलब तबाही जाने वाली है। और मुबारक हो हमारी एक वीडियो इस सीरीज़ की, लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज़ की, 1 मिलियन क्रॉस कर गई है। लर्न स्पीड क्यूबिंग सीरीज़ क्या है भाई, हम इस सीरीज़ में क्यूब को 10-11 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना सिखा रहे हैं। पूरी सीरीज़ देखना चाहते हो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो। गुड बाय। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं लर्न स्पीड क्यूबिंग की अगली वीडियो के साथ, या फिर आप कह सकते हो ओएलएल की सेकंड वीडियो के साथ। आज हम 4 केस सीखने वाले हैं, और यार इतना आसान कर लाए हूँ कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आज W केसेस पर बात करने वाले हैं, और दो और बड़े प्यारे से केसेस हैं उन पर बात करने वाले हैं। बट अगर तुम लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया कि हाउ टू लर्न एनी एल्गोरिथम, जिसका जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो ये वीडियो मक्खन है। जिस बंदे को पता है कि सेक्सी मूव क्या है आर यू आर प्राइम यू प्राइम, जिसको पता है स्लेज हैमर क्या है आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, वो पहले ही इन एल्गोरिथम्स को जानता है यार, पहले वीडियो देख रहे हो। खैर पहले दो केसेस बिना बकवास की, ज़्यादा टाइम नहीं है किसी के पास भी नहीं है यार, मुझे पता है मैं ही वेला हूँ। अच्छा पहले ये दोनों केसेस W है, देखो दोनों W लगते हैं ना, तो अच्छा इसको रिकग्नाइज कैसे करना है, दोनों में फ़र्क क्या, एल्गोरिथम क्या है, वही बताने लगा। तुम लोग ये साइडें देखोगे तो किसी एक के एज पे यहां पे येलो मिल जाएगा भाई, इसके एक एज पे नहीं है, इसके कॉर्नर पे भी है साथ, ये नहीं, यहां पे सिर्फ एक एज पे है देखो। उसी तरह इधर भी देखोगे तो किसी एक के एज के इधर येलो, यहाँ दोनों पे ये नहीं, ये एज पे मिल गया ना येलो। अब दोनों को देखो गौर से, एक के जब इन इनको हमने फ्रंट पे रखा तो एक के W ऐसे बन रहा है और एक के इस तरफ बन रहा है, एक के राइट की तरफ बन रहा है, जिसके W ये बन रहा है। अच्छा यहाँ पे दो तरह से आप रिकग्नाइज कर सकते हो, बट मैं कहूँगा यहाँ से सिर्फ इतना सा गौर कर लेना है कि W राइट साइड पे, ये देखो ये राइट साइड पे है, अगर देखो ना थोड़ा सा इस तरफ है, और ये लेफ्ट साइड पे देखो, तो जो लेफ्ट साइड पे है ना होल्डिंग पोजीशन उसकी हम यही रखेंगे, लेफ्ट साइड पे W है, ये एल्गोरिथम है। फिंगर ट्रिक देख लो, उसके बाद तुम लोगों को बताता हूं कि इसको लर्न कैसे करना है इंट्यूटिवली। आर यू पुश आर प्राइम यू, आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। क्या मुश्किल थी, कितना फास्ट है, कितना स्मूथ है,
यार ये वही एल्गोरिथम लगा रहा हूँ मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि तुम लोग इसको कितना फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये वही केस है। इस एल्गोरिथम को याद कैसे करना है, सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इस पेयर को निकाल रहे हैं, इस पेयर को आर यू आर प्राइम से, उसके बाद इसी पेयर को एक दफ़ा आगे कर रहे हैं। अब इस पेयर को मान लो ये एक पेयर है, ठीक है, ये एक पेयर है, इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं आर यू प्राइम आर प्राइम से, और उसके लास्ट में इस पेयर को इधर ला के स्लेज हैमर से इंसर्ट कर रहे हैं। सिंपल। अगर तो तुम लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने तुम लोगों को सिखाया कि हाउ टू लर्न एनी एल्गोरिथम, तुम लोग समझ जाओगे मैंने क्या कुछ किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लो, एक मिनट में एल्गोरिथम याद करने लग जाओगे। और रही बात ऐसा केस जिसमें हमने सबसे पहले ढूंढा एक एच पीस जिसकी इधर येलो है, और उसके बाद हमें पता लगा डब्ल्यू राइट साइड पे हमारे होल्डिंग पोजीशन यही रहेगी, और सेम एल्गोरिथम लेफ्ट साइड से करेंगे हम। ये देखो, हम सबसे पहले इस पेयर को बाहर निकालेंगे, इस पेयर को बाहर निकाला, अब इस पेयर को एक दफ़ा आगे करेंगे, अब इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और अब लास्ट में स्लेज हैमर कर लेंगे लेफ्टी। क्या मुश्किल थी यार इन दोनों केसेस में, क्या मुश्किल थी बताओ। मुझे नहीं समझ आती क्यों हवा बना हुआ कि फुल वाले इतना मुश्किल है। इसी हवे को ख़त्म करना है यार, अगले केसेस की तरफ चलते हैं, इतना टाइम नहीं है। अगले केसेस देखने में इतने प्यारे हैं तो सॉल्व करने में क्या मज़ा होगा, मुझे बस ये बताओ। देख के यार रिकग्निशन, इन जैसा कोई केस नहीं है, ये ऐसे केस है जिनके चारों कॉर्नर्स पहले से ही सॉल्व है, ओरिएंट है, यानी मतलब ओरिएंट है, और दो एजेस भी ओरिएंट है, इसके भी चारों कॉर्नर्स पहले से ही ओरिएंट और दो एजेस भी ओरिएंट है, बस यहाँ के डायगोनल एजेस ने ओरिएंट होना, यहाँ के ऑपोजिट, बस ये फ़र्क है। एच केस इसको हम बाद में बात करते हैं। एच केस देख के ही आपको पता लग गया भाई, रिकग्नाइज हो गया होल्डिंग पोजिशन क्या है भाई, जिन दो ने ओरिएंट होना, एक को आपने फ्रंट पे एक को बैक में, मतलब एच जिस तरह लिखा जाता है ना उस तरह रखना है, इस तरह ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है, और ये एल्गोरिथम लगाना है। फिंगर ट्रिक देख लो, फिर तुम लोगों को बता देता हूँ तुम लोगों ने इसको मतलब लर्न कैसे करना है। आर यू आर प्राइम यू प्राइम, एम प्राइम यू आर यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम। यार ये इतना के वो है यार फास्ट जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब यार नेक्स्ट लेवल फास्ट है, नेक्स्ट लेवल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसके दरमियान में एक एम प्राइम मूव है, उसको मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले आर यू आर प्राइम यू प्राइम मैंने किया, एम प्राइम के लिए मैं यहाँ पे मिडल फिंगर का यूज़ नहीं करता, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ यार, मैं इसके ऊपर जैसे तुम लोगों को दिखाऊं। यहाँ पे एम प्राइम, एक तो ये तरीका करने का जो कि एफिशिएंट है, बट कुछ एल्गोरिथम्स में आपकी ग्रिप ऐसी होती है कि आप ये नहीं कर सकते, उनमें से एक एल्गोरिथम ये है। यहाँ पे एम मैं ऐसे करता हूँ, देखो सबसे पहले इन दो लेयर्स को ऊपर करूँगा, उसके बाद इस राइट वाली लेयर को एक दफ़ा नीचे कर लूँगा। एम ऐसे करने में और ऐसे करने में बहुत फ़र्क है इस एल्गोरिथम में, तो दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आर यू आर प्राइम यू प्राइम, उसके बाद एम प्राइम यू प्राइम आर प्राइम। और अब मैं बता दूं कि तुम लोगों ने इसको याद कैसे करना है, सिंपल सेक्सी मूव है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, उसके बाद एम प्राइम, तो याद रख लोगे ना एम प्राइम। और यहाँ तक जब हो जाए तो एक दफ़ा इनवर्स सेक्सी लगा देना भाई। इनवर्स सेक्सी क्या है, एल्गोरिथम वाली वीडियो में बताया हुआ है, यू आर यू प्राइम, बस लास्ट में जो आर प्राइम था ना वो स्मॉल आर प्राइम में कन्वर्ट हो गया, डैट्स ऑल। और फाइनली हम आ चुके हैं अपने लास्ट केस में, शुक्र है भाई। अच्छा, इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या है, देख के रिकग्नाइज हो गया, बस दो डायगोनल एजेस के टॉप पे येलो लाना है। इसकी भाई मतलब होल्डिंग पोजीशन क्या है भाई, जिन दोनों के टॉप पे येलो नहीं है ना, उनको एक को राइट में और एक को फ्रंट पे रखना है, फ्रंट और राइट, ये देखो ये राइट में और ये फ्रंट पे, ऐसे ऐसे पकड़ना है इसको। और एल्गोरिथम की फिंगर ट्रिक देख लो, उसके बाद बताता हूँ तुम लोगों ने इसको याद कैसे करना है। यहाँ पे रहते हुए स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम, अब यहाँ पे एम मैं ऐसे ही करूँगा जैसे मैंने एम प्राइम किया था, यानी इस तरह। अब यू आर यू प्राइम आर प्राइम। अच्छा, अब तुम लोगों ने इस केस को याद कैसे करना है भाई, शुरू के जो चार लेटर्स हैं वो सेक्सी मूवी है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम ही है, बट पहला आर स्मॉल आर में कन्वर्ट हो गया बस, तो यहाँ पे रहती स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम। अब एम तो याद रख लोगे ना तुम लोग, एम मूव एम किया और इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर लेना, यानी कि इनवर्स सेक्सी यू आर यू प्राइम आर प्राइम। और भाई साहब ये दोनों जो एल्गोरिथम है ये बहुत फास्ट है, मतलब अगर मैं तुम लोगों को इस पे लगा के दिखाता हूँ,
ओ यार यार, ऐसी गलतियां मुझे नहीं पसंद यार। अच्छा ओ भाई, और ये यार फिर से लॉकअप। एक सेकेंड, हाँ शुक्र है शुक्र है, फाइनली एक अच्छा एग्जाम्पल मिला यार। मुझे नहीं पता यार, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमने आज OLL का दूसरा वीडियो डाल दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करता रहूँ, नहीं कर पा रहा यार। बहुत बहुत अजीब से दिन गुजर रहे हैं, अजीब सा माहौल है। सर्दी सर्दी भी आजकल बहुत बढ़ रही है। और अब मैं वैसे भी रात का क्या टाइम हो रहा है यार, 1:08 यार, ये देखो 1:08 हो रहे हैं इस वक्त। और ये पूरा अगर तुम लोगों को मैं ऐसे समझाने बैठ जाऊँ, तुम लोग तो मुझे मार दोगे। आसान करता हूँ एल्गोरिथम्स को तुम लोगों के लिए यार, फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। फिर भी यार कमेंट्स में कुछ लोग कह देते हैं यार कि ये बंदा ये कर रहा है वो कर रहा है। खैर खैर खैर, आज सब कुछ छोड़ते हुए मैं तुम लोगों को माफ़ किया, और मुझे भी तुम लोग माफ कर देना, और क्योंकि मैं बहुत आज यार बकवास कर रहा हूँ। गुड बाय यार, सब्सक्राइब करो, लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज को ज्वाइन कर लो, जिसमें हम 3x3 को 10, 11, 12 सेकंड्स में सॉल्व करना सिखा रहे हैं। और बस उस सीरीज का एंड होने ही वाला है यार। गुड बाय भाई साहब, हम आ चुके हैं OLL के पार्ट 3 के साथ। आज की वीडियो में हम पी शेप के OLLs, भाई पी किस तरह होता है, हाँ पी शेप के OLLs पे बात करने वाले हैं। और भाई ये शायद इस सीरीज़ की सबसे आसान वीडियो होने वाली है। अगर तो भाई तुम लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी हुई है जिसमें हमने एल्गोरिथम्स को लर्न करना सिखाया था, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, देख लो। तो ये वीडियो तुम लोगों को पहले ही पता है सारे एल्गोरिथम्स। और ये तीसरा पार्ट है OLL का, पिछले दो पार्ट देखने तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वो देख लो। और बस यार शुरू करते हैं। पी बना हुआ है भाई ऊपर से, तो देख के आप लोग रिकग्नाइज कर सकते हो हर तरफ। लेकिन जब आप लोग इन साइड्स पे देखोगे तो एक साइड ऐसी होगी जहां पे सिर्फ एक एज के साइड पे येलो होगा, जैसे ये साइड, ये देखो यहां पे किसी के येलो नहीं है, यहां पे किसी के येलो नहीं है, यहां पे तीनों के येलो है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक एज के येलो होगा। इसमें भी एक ऐसी साइड होगी जहां पे एक के टॉप पे, एक के इधर, ये जैसे ये दोनों के ये येलो है। अब तुम लोगों की होल्डिंग पोजिशन क्या होगी, तुम लोगों ने ये जो येलो है ये बैक में कर देना है, इसके वाला भी येलो बैक में कर देना है, दोनों का येलो बैक में चला गया एज का। अब देखो एक के बाहर, हम इसको बाहर कहेंगे भी, ठीक है, ये तो तीन कलर्स हैं सेम, इसको बाहर कहेंगे। एक के बाहर लेफ्ट साइड पे है और इसके बाहर राइट साइड पे है। तो जिसके लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी, तो उसका एल्गोरिथम ये है, स्मॉल एफ सेक्सी आर यू आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल एफ प्राइम। भाई अगर तुम लोगों को नहीं पता ये एल्गोरिथम क्या है, सेक्सी मूव क्यूबिंग की दुनिया में बेताज बादशाह है भाई ये एल्गोरिथम, नहीं पता तो पिन कमेंट देखो, उसमें बताया है क्या है। और रही बात दूसरा केस, जिसके जिसका हमने एच पीस बैक में रखा और उसके बाहर राइट साइड पे है, तो यहाँ पे सेम एल्गोरिथम सेम, लेकिन लेफ्ट साइड से, यानी कि स्मॉल एफ प्राइम, अब लेफ्ट ही सेक्सी मूव, एल प्राइम यू प्राइम L U और लास्ट तो देख के पता लग जाता है स्मॉल f, सेम वही चीज़ लेफ्ट साइड से। बताओ इसमें क्या मुश्किल था। और इससे अगले जो दो केस हैं, टोटल चार केस हैं पी केस में ना, वो इससे भी आसान है यार। हाँ ये है अगले दो केस, इसको आप लोगों ने कैसे रिकग्नाइज करना है, सेम वही केस है कि अच्छा पिछले जो दो केसेस दिखाए थे उनमें आपको एक बार मिल रही थी येलो की पूरी, ऐसे ही है, इसमें कहीं भी बार नहीं है, लेकिन इसमें एक ऐसा एच पीस है जिसके इधर येलो हो, ये है, ठीक है, इसको हम लेफ्ट में कर देंगे। अब ये भी है, इसका भी एक ऐसा एच पीस होगा जिसके ये येलो है, इसको भी हम लेफ्ट, दोनों के लेफ्ट साइड पर कर दिए। अब इन दोनों में हमें फ़र्क कैसे पता लगेगा, देखो इसका पी इस तरह है कुछ, जो ब्लॉक है 2x2 येलो का वो बैक साइड पे इधर इधर, जबकि इसका ब्लॉक जरा फ्रंट साइड पे है, ठीक है, ये फर्क है। होल्डिंग पोजीशन यही रहेगी, ये जो एक एच पीस है जिसके येलो से हम लेफ्ट में करेंगे, और जिसके ब्लॉक नीचे होगा वो कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूं। एस भाई एस क्या है, कुछ भी नहीं है, ये जो दरमियान वाली लेयर है ना, ये फ्रंट और बैक के दरमियान वाली लेयर, इसको एस कहते हैं। इसको एक दफ़ा नीचे करेंगे, एक दफ़ा सेक्सी मूव लगाएंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और एक दफ़ा स्लेज हैमर आर प्राइम एफ आर, लेकिन स्लेज हैमर का आखिरी मूव एफ प्राइम होता है ना, यहाँ पे हम स्मॉल एफ प्राइम कर देंगे, बस फर्क ये है। अच्छा फिंगर ट्रिक्स पे बात कर लें भाई, मैं इसको फिंगर ट्रिक कैसे करता हूँ, मैं री ग्रिप नहीं करता, मैं यहाँ से अपनी इंडेक्स फिंगर मैंने रिकग्नाइज किया, इंडेक्स फिंगर ऐसे एस किया, आर पुश किया यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर स्मॉल एफ प्राइम,
रीग्रिप की जरूरत ही नहीं है और ये बहुत फास्ट है यार। अभी तो ज़रा लॉकअप्स आ रहे हैं यार, ये अच्छी ये अच्छा एग्जांपल था यार। और रही बात दूसरा केस जिसके ब्लॉक आप लोगों ने एच को लेफ्ट पे रखा और ब्लॉक टॉप पर है, तो उसकी भी होल्डिंग पोजीशन यही है और एल्गोरिथम ऊपर चल रहा है। पहले दो मूव्स तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे, आर प्राइम यू प्राइम। हाँ भाई, याद करने पड़ेंगे आर प्राइम यू प्राइम। अच्छा, इसके बाद एफ इनवर्स एक्सी एफ प्राइम करना है। अब भाई इनवर्स एक्सी क्या है भाई, एल्गोरिथम वाली वीडियो में समझा दिया है, नहीं पता तो पिन कमेंट देख लो। मैंने कहा दोबारा आर प्राइम यू प्राइम इनवर्स एक्सी करने से पहले एक दफ़ा एफ करेंगे, इनवर्स एक्सी एफ प्राइम, और लास्ट मूव देख के ही आपको पता लग रहा है। अब कुछ फिंगर ट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रहता हुए इसको रीग्रिप नहीं करता, यहाँ से आर प्राइम यू प्राइम करता हूँ, एफ अपने इंडेक्स फिंगर से ऐसे करता हूँ। अब इनवर्स एक्सी मैं यहाँ से यू पुश करके आर यू प्राइम आर प्राइम, और यहाँ से एफ प्राइम मैं करता हूँ पुश एफ प्राइम आर, और ये मेरा एल्गोरिथम बहुत बहुत फास्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप लोगों को लास्ट एल्गोरिथम मुश्किल लगा तो उसमें सिर्फ तुम लोगों की गलती है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा एल्गोरिथम वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया कि एल्गोरिथम्स को कैसे आप लोग लर्न कर सकते हो। वो देख लोगे तो पता लग जाएगा सेक्सी मूव क्या है, स्लेज हैमर क्या है, इनवर्स सेक्सी क्या, आपको सब समझ लग जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा छोटा है बट अगर एकदम एक वीडियो में तुम लोगों को समझा दूंगा तुम लोग यार परेशान हैरान हो जाओगे कि ये क्या बकवास शुरू हो गई है। तो चार चार पाँच पाँच छः छः केसेस करके समझाऊंगा तो तुम लोग मस्ती से याद कर लोगे। मेरे ख्याल से चार वीडियोस और आएंगे और हमारे 57 केसेस पूरे याद हो जाएंगे। लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज़ को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें तुम लोगों को मैं क्यूब को 10 11 12 सेकंड में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। और आई थिंक भाई इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं ख़त्म। सब्सक्राइब यार, मुबारक हो, आज OLL की सीरीज का चौथा एपिसोड है और आज हम सीखने वाले हैं आई शेप्स। भाई आई आई जिस तरह मर्जी कह लो, जोन सा एक्सेंट तुम लोग यूज करते हो भाई, आई शेप्स भाई साहब यार इससे आसान वीडियो शायद ही कोई हो। सिर्फ चार केसेस है, चारों को रिकग्नाइज कैसे करना है, फिंगर ट्रिक कैसे करना है, एल्गोरिथम को कैसे लर्न करना है, बल्कि एल्गोरिथम के बगैर ही कोशिश करूंगा सिखाने की। बट उससे पहले ज़रूरी है कि तुम लोगों ने मेरी वो वीडियो देख ली हो जिसमें मैंने तुम लोगों को सिखाया है कि किसी भी एल्गोरिथम को कैसे याद करना है। पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, देखनी है तो देख लो। और ये हमारा चौथा पार्ट है, पिछली वीडियोज़ में हम पी शेप्स डब्ल्यू सी शेप्स सारे कवर कर रहे हैं, आज चौथा पार्ट है। पिछले पार्ट देखने वो भी तुम लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, आई शेप्स ऊपर से देखने में बिल्कुल इजी एक आई बना हुआ है, लेकिन सारी गेम है साइड्स पे, होल्डिंग पोजीशन क्या रखनी है। सबसे पहले हम साइड्स पे देखेंगे क्या हो रहा है। अच्छा, फिलहाल एक हेडलाइट हमें मिल रही है और दो ब्लॉक मिल रहे हैं। ये देखो, ये भी येलो के दो हैं और ये भी येलो के दो हैं। ऐसी कंडीशन में हमने हेडलाइट को लेफ्ट में कर देना है, यानी कि जो ब्लॉक होगा एक आपके राइट पे आ जाएगा, एक बैक में, इस तरह। तो ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन और एल्गोरिथम सुन के तुम लोग हैरान हो जाओगे। एक दफ़ा स्मॉल एफ करना है, डबल सेक्सी मूव यानी कि आर यू आर प्राइम यू प्राइम, फिर एक दफ़ा और आर यू आर प्राइम यू प्राइम और स्मॉल एफ प्राइम। क्या था मुश्किल यार, सेक्सी मूव, स्लेज हैमर, इनवर्स सेक्सी, सारा कॉम्बिनेशन OLL इनका ही है भाई। पहला केस हो गया, दूसरे पे चलते हैं। ये है अगला केस, तुम लोगों को दो हेडलाइट्स मिल जाती हैं और यहाँ पे एक एच पे येलो है और यहाँ पे एक एच पे येलो है। तो ऐसी सिचुएशन में तुम लोगों ने हेडलाइट्स को साइड्स पे कर देना, यानी एक राइट पे आ जाए एक लेफ्ट पे आ जाए, और ये एल्गोरिथम लगाना। पहले फिंगर ट्रिक्स देख लो, उसके बाद बताता हूँ याद कैसे करना। मैं क्या करता हूँ, मैं रीग्रिप करता हूँ, स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर, उसके बाद आगे सही बताऊं तो बैक से इनवर्स सेक्सी है। अपने दिमाग को बताओ कि ये एक पेयर है और इसको तुम लोगों ने यहां पे इंसर्ट करना है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर को साइड पे किया और बैक में इंसर्ट कर दिया। दोबारा यही चार मूव है, अपने दिमाग को बताओ ये एक पेयर है, इसको साइड पे करके दोबारा मूव यहां पे इंसर्ट कर दिया। और अब लास्ट वाला तो देख के पता लग जाएगा भाई, ये वाला हमने इस तरह सॉल्व करना है। तो ये तो था कुछ एल्गोरिथम बेस्ड और फिंगर ट्रिक्स मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा था। अब थोड़ा सा डिटेल में एल्गोरिथम पे बात करते हैं। एक दफा फिर फिंगर ट्रिक्स देख लेना, रीग्रिप करता हूं, अब बैक से इनवर्स सेक्सी दो दफा और लास्ट मूव इस तरह। ये बहुत फास्ट है, अगर मैं तुम लोगों को लगा के दिखाऊं एक सेकंड का काम है, एक सेकंड। खैर खैर खैर, अब थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं यार। अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि ये जो बैक वाला पेयर है इसको बाहर निकालो तो कैसे निकालोगे?
आर प्राइम यू प्राइम आर ऐसे ही निकालोगे ना, ये बैक वाला पेयर बाहर आ गया, आर प्राइम यू प्राइम आर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुमने आर की जगह स्मॉल आर यूज़ करना, तो तुम स्मॉल आर यूज़ कर लोगे, स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर। ठीक है, पहले तीन मूव्स तो यही हैं। अब दूसरी बात ये है, अगर मैं कहूँ कि ये जो पेयर है इसको इधर तुम लोगों ने इंसर्ट करना है, तुम लोग अभी देख सकते हो कि ब्रैकेट्स में सेम एल्गोरिथम लिखा हुआ है, यू प्राइम आर प्राइम यू आर, और फिर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है यू प्राइम आर प्राइम यू आर। ये क्या है यार, हम ना बेसिकली इस पेयर को यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। देखना, यू प्राइम आर प्राइम यू आर, बस अपने दिमाग को बताना कि यहाँ पेयर है, और लास्ट वाले जो तीन मूव है ना, लास्ट वाले तीन मूव वो पहले वाले तीन मूव का अपोजिट है, यानी कि सेटअप मूव थे वो पहले वाले। हम अब दोबारा एक दफ़ा इस एल्गोरिथम को देखते हैं, यानी शुरू वाले जो मैंने कहा ये पेयर निकालना बाहर, लेकिन तुम लोगों ने स्मॉल आर का यूज़ करना, तो ये तीन हमारे सेटअप मूव थे। उसके बाद तो हम इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करते लेना बैक के इनवर्स एक्सी से, और लास्ट में हमारा ये एक सेटअप मूव था, हमने इसको ठीक करना है, मतलब कि स्मॉल आर प्राइम यू आर स्मॉल आर। मैं इससे आसान नहीं कर सकता यार, इससे आसान तुम लोगों को कहीं और मिलने भी नहीं वाला। मुझे बाकी एल्गोरिथम तुम लोग बुला दोगे इस तरह, यार मेरा ख्याल से इससे आसान कोई भी नहीं समझा सकता। खैर, ये है अगला केस, ऊपर से आई देखने में और यहाँ पे कुछ भी नहीं, लेकिन एक साइड पे पूरी बार है, हम इसको बार मानते हैं। ठीक है, ऐसा केस जब हो कि एक साइड पे बार हो, तो हम उस बार को रखते हैं राइट साइड पर, राइट साइड पे बार आ गई। अब यहाँ पे तुम लोगों ने अपने जहन को बताना है कि ये जो पेयर है ये तुम लोगों ने बाहर निकालना है। देखना अब मैं कैसे निकालता हूँ, पहले फिंगर ट्रिक्स देख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ तुम लोगों ने इसको याद कैसे करना है। फिंगर ट्रिक्स कुछ इस तरह की हैं, आर यू आर प्राइम यू, आर यू प्राइम वाई, आर यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम। फिंगर ट्रिक्स कुछ इस किस्म के, जो कि बहुत फास्ट है। अब बताता हूँ एल्गोरिथम कैसे याद करना है। इस एल्गोरिथम में क्या हो रहा है, ये पेयर को बाहर निकाला जा रहा है आर यू आर प्राइम से। अब इस पेयर को एक दफ़ा आगे किया जा रहा है। अब यहाँ पे दो मूव्स याद करने हैं तुम लोगों ने, वो मूव्स क्या है, आर यू प्राइम, बस इतना याद करना है। अब एक दफ़ा रोटेट करना तुम लोगों ने क्यूब को ऐसे, जिसको हम वाई बोलते हैं। अब इस पेयर को यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, इस पेयर को आर यू प्राइम आर प्राइम से, और लास्ट तो देख के पता लग रहा है एफ प्राइम। हो भाई, इससे आसान नहीं, मैं नहीं कर सकता, और ये बहुत फास्ट एल्गोरिथम है, बहुत फास्ट। अगला केस आखिरी केस है, और उस पर जाने से पहले तुम लोगों को एक F12 का केस सिखाने वाला हूँ। ये F12 का केस है कुछ, अगर ये F12 का केस तुम लोगों के सामने आता है, जिसमें ये दो मैच कलर कर रहे हो और ये दो मैच कलर कर रहे हो और ये वाइट हो, बैक से आता है यहाँ पे ऐसे ना, तो तुम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हो, अपने जहन में बताओ बस कि ये बैक से F12 का केस आया, ये दो कलर्स मैच कर रहे हैं और ये दो, और वाइट बैक साइड पर। तो तुम लोग एक दफ़ा इसको थ्री मूव इंसर्ट के लिए सेटअप करते हो, किस तरह, आर यू प्राइम आर करते हो, यानी इन ये दो आपस में जुड़े हुए ना, इनको बस अलग अलग करते हो, और ये थ्री मूव इंसर्ट के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर तो ये F12 का केस तुम लोगों को समझ आ गया है, तो आगे आने वाला एल्गोरिथम तुम लोग समझ चुके हो भाई। ये है आखिरी केस, इस केस से आसान इस दुनिया में कोई केस नहीं है, पहले ही बता दूं। आई शेप ऊपर से देखने में वैसे, और इससे आसान रिकग्निशन भी कहीं नहीं है, मतलब दोनों तरफ बार मिल रही है, तो आप लोगों की होल्डिंग पोजीशन क्या होगी, बार एक को फ्रंट पे कर लोगे, एक को बैक में, ये रहेगी आपकी होल्डिंग पोजीशन। सबसे पहले आप लोगों को एल्गोरिथम की फिंगर ट्रिक बताता हूँ, आर प्राइम एफ आर यू प्राइम आर टू प्राइम एफ आर टू यू प्राइम आर यू आर प्राइम। और ये बहुत फास्ट है, मतलब मैं तो इसको शायद एक सेकंड में रिकग्नाइज नहीं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखना दोबारा एक दफ़ा बस तुम लोगों ने प्रैक्टिस करनी, अभी तो यार पता नहीं क्या हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन पता नहीं। खैर, अब बताता हूँ तुम लोगों ने इसको याद कैसे करना है। स्लेज हैमर के पहले तीन मूव्स, आर प्राइम एफ आर, आर प्राइम एफ आर, ये करने हैं सबसे पहले। उसके बाद एक दफ़ा इनवर्स एक्सी करना है, यू आर यू प्राइम आर प्राइम। उसके बाद तुम लोगों ने एक दफ़ा इस क्रॉस को ख़राब करना है और इसको ठीक करना है। जब इसको ठीक करोगे, तो फिर इस क्रॉस को जो ख़राब किया उसको भी ठीक कर दो। और ये F12 का केस तुम लोगों को रिसेंटली सिखाया है मैंने कि किस तरह सॉल्व करना है, बस इस F12 के केस को अब सॉल्व कर दो, थ्री मूव इंसर्ट के लिए रेडी करो, और अब इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दो। डैट्स ऑल,
यार फिर तुम लोगों को फिर बताना पड़ना, तुम लोगों को समझ नहीं आई ना। स्लेज हैमर के पहले तीन मूव आर प्राइम एफ आर, एक दफ़ा इनवर्स एक्सी यू आर यू प्राइम आर प्राइम। अब इस आर प्राइम के बाद एक दफ़ा फिर तुम लोगों ने आर प्राइम करना है इसको क्रॉस को ख़राब करने के लिए। अब इस अब क्रॉस को ठीक करना है, यानी ये और ये दोबारा लगाने हैं। सबसे पहले ये लगाएंगे, उसके बाद ये जो ख़राब है ये लगाएंगे, और अब ये एफ ट्वेल्व का केस सॉल्व कर लेंगे। इसको थ्री मूव इंसर्ट के लिए रेडी करके हम सॉल्व कर रहे हैं। यार इससे आसान मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर देना। तुम लोग शायद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता यार। और भाई बहुत फास्ट एल्गोरिथम है, और आज की वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म कर रहे हैं। आई शेप्स के साथ तुम लोगों को चारों आई शेप्स समझा दिए। पिछली वीडियो में पी शेप्स समझाए थे, उससे पिछली वीडियो में पता नहीं क्या कुछ समझाया हूँ। आधे से ज़्यादा ऑयल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मजाक मजाक में ही, और बाकी के जो थोड़े से केसेस रह गए हैं 10-15 वो हम आने वाली वीडियो में कवर कर देंगे। तो चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब कर दो, और क्या कुछ मैं कहता हूँ, बेल आइकन दबा दो, मतलब शेयर कर दो, कमेंट कर दो। ये भी कहता था, अब तो टाइम हो गया मैं नहीं शायद कहता, लेकिन तुम लोग भी करना छोड़ गए हुए हो फिर तो। सब्सक्राइब यार। भाई सब हम आ चुके हैं OLL के पार्ट 5 के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं फिश शेप से। वैसे ये फिश से ज़्यादा एक काइट लगती है, ये देखो ऊपर से ये देखने में कुछ ऐसे ही लगता है। ये यहाँ पे भी अच्छा, तुम लोग कहोगे ये दोनों केसेस तो सेम है, देखो ना ऊपर से दोनों केसेस सेम है, लेकिन यहाँ पे सारी खेल साइड पे हो रहे हैं। यहाँ पे साइड्स में तुम्हें दो ब्लॉक मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे वही ब्लॉक तुम लोगों को नहीं मिल रहा। खैर आज की वीडियो शुरू करते हैं और बताता हूँ, टोटल 4 केसेस हैं फिश शेप्स में। हम बात करेंगे इन केसेस को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, फिंगर ट्रिक कैसे करना है, इंट्यूटिवली कैसे लर्न करना है एल्गोरिथम के बगैर। बट उससे पहले पिन कमेंट में एक वीडियो का लिंक है, हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स, वो देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और अगर बाकी OLL के पार्ट्स देखना चाहते हो तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। खैर सबसे पहले हम बात करते हैं इस केस की। ऊपर से देखने में एक स्क्वायर और यहाँ पे एक डॉट, ये फिश केस है, और साइड पे अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, बस ये पे एजेस देखने हैं बेसिकली, कॉर्नर्स नहीं, एजेस दो के यहाँ पे ये एक एक डॉट होगा। जबकि यहाँ पे ऊपर से तो सेम है, लेकिन साइड पे यहाँ पे ब्लॉक है, तो जिसमें डॉट है ना इस तरह के, तो ये हमारी होगी होल्डिंग पोजिशन, के ये जो डॉट है ये बैक लेफ्ट में होगा और ये स्क्वायर हमारा राइट पर होगा फ्रंट पे, इस तरह ये हमारी होल्डिंग पोजिशन रहेगी। और एल्गोरिथम ऊपर है, पहले फिंगर ट्रिक्स देख लेते हैं और फिर बताता हूँ याद कैसे करना है। आर यू टू आर टू प्राइम एफ आर एफ प्राइम आर यू टू आर प्राइम। बहुत फास्ट है ये, मैंने अभी वही एल्गोरिथम लगाया, इतना फास्ट है कि तुम लोग इसको देख भी नहीं सकते। अब हम बात करते हैं ये एल्गोरिथम तुम लोगों ने याद कैसे करना है। सिंपली ये वही केस है। सबसे पहले इस एल्गोरिथम में हम कर क्या रहे हैं, इस पेयर को बैक में भेज रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर, कैसे, आर यू टू आर प्राइम, ये पेयर इधर चला गया। अब एक दफ़ा स्लेज हैमर कर रहे हैं आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और अब इस पेयर को वापस यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं आर यू टू आर प्राइम। स्लेज हैमर क्या है भाई, जाके देखो ना एल्गोरिथम से वाली वीडियो, पिन कमेंट में लिंक है, तुम लोगों को पता लग जाएगा। बात करते हैं दूसरे केस की, जिसमें ऊपर से तो सेम फिश पैटर्न है और यहाँ पर दो ब्लॉक्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी होल्डिंग पोजीशन ये होगी, एक ब्लॉक राइट साइड पे, अच्छा उसे छोड़े, ये जो डॉट है ये आपके राइट साइड पे रहेगा ऐसे, ये जो एक येलो है ना इसको मैं डॉट बोलता हूँ, ये आपके राइट साइड पे रहेगा। तब जब ये दो ब्लॉक्स होंगे, ये दो ब्लॉक्स होंगे, पिछला केस नहीं है ये, तुम लोगों को अगर नहीं समझ आए तो पिछला केस दोबारा देखो। खैर इसका एल्गोरिथम क्या है, इसके एल्गोरिथम से पहले मैं तुम लोगों को दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। भाई इसको हम बोलते नहीं यार, इसको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई इसको हम बोलते हैं सेक्सी मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम, एक इनवर्स सेक्सी होता है जिसको हम बोलते हैं यू आर यू प्राइम आर प्राइम। इसी तरह एक स्लेज हैमर होता है जिसको हम बोलते हैं आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और एक हेज स्लैमर होता है। हेज स्लैमर क्या है, स्लेज हैमर का रिवर्स मूव्स, यानी कि एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। और भाई फिर से अगर तुम लोगों को हेज स्लैमर और इनवर्स सेक्सी का नहीं पता तो तुम लोग यार जाके ना मेरी एल्गोरिथम वाली वीडियो देखो। खैर इस केस को हमने कैसे सॉल्व करना है, ये हमारी होल्डिंग पोजीशन रहेगी, एक दफ़ा हमने हेज स्लैमर लगाना है और उसके बाद इनवर्स सेक्सी, यानी कि एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर, और अब इस पेयर को यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे ईजी। और इसके फिंगर ट्रिक्स मैं कैसे करता हूँ, एक दफ़ा अपने थंब को यहाँ लेकर आता हूँ और यहाँ से एफ आर प्राइम, अब यहाँ से एफ प्राइम आर, और इस पेयर को यहाँ से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, और ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट, एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ,
ओ भाई ये अच्छा एग्जांपल नहीं था, दोबारा। ओ भाई नेक्स्ट लेवल, वैसे थोड़े लॉकअप्स थे बट फिर भी स्टिल पिछलों से बेहतर था। ये है अगले दो केसेस भाई, अगर टॉप से देखे तो इसमें तुम लोग कहोगे यार ये फिश केस से थोड़ा अलग है। हाँ, फिश पैटर्न दो तरह के होते हैं, एक जो पिछला दिखाया उसके पूरा स्क्वायर था, यहाँ पे इस कॉर्नर के टॉप पे येलो नहीं है। हाँ, एक पैटर्न फिश का ऐसा भी होता है, टॉप से तो देखने में दोनों सेम है, बट जब हम इस डॉट को दोनों में राइट साइड पर लेकर आते हैं, देखो राइट साइड पर आ गए ना, राइट साइड पर, तो जब हम इधर देखते हैं तो भाई एक के तो यहाँ के एक एक के एच के इधर येलो, जबकि इधर एक ब्लॉक मिल जाता है। ठीक है, पहले इसकी बात करेंगे। ऐसा केस हो जो ऐसा पैटर्न है ऊपर से और इसको अगर राइट पे रखे तो खाली एक के एच के येलो है, दो के नहीं ना, एक के है, तो हम इस डॉट को बैक में कर देंगे इधर और ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन और ये रहेगा एल्गोरिथम। पहले फिंगर ट्रिक देखो फिर बताता हूँ याद कैसे करना है। आर यू यहाँ से पुश, यू आर प्राइम यू आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम आर यू टू आर प्राइम। और अब तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम लोग इसको याद कैसे कर सकते हो। ये सेम केस है, होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी, हमने सबसे पहले इस पेयर को बाहर निकालना, आर यू आर प्राइम से बाहर आ गए, इस पेयर को एक दफ़ा आगे भेज देंगे, एक दफ़ा स्लेज हैमर करेंगे आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और अब इस पेयर को डायरेक्ट इधर इंसर्ट कर देंगे ये आर यू टू आर प्राइम से। यार इससे आसान केसेस मतलब ये वही है, और ये इतना फास्ट है अगर मेरी वाली फिंगर ट्रिक्स तुम लोग यूज़ करो तो, कि तुम लोग खुद हैरान, पता नहीं मैं कहाँ चला गया, तुम लोग खुद हैरान हो जाओगे कि यार ये बंदे ने हमें कुछ जेन्युइन बात बताई है यार। और ये है हमारा आज के वीडियो का लास्ट केस, जिसमें टॉप पे ऐसा पैटर्न था और जब हम इस डॉट को अपने राइट साइड पे रखते थे तो हमारे यहाँ पे दो के येलो आ रहा था। ठीक है, और इसको यही होल्डिंग पोजीशन रहेगी, यहाँ पे रहते हुए ये एल्गोरिथम लगाना है। पहले फिंगर ट्रिक देखेंगे फिर बताऊँगा याद कैसे करना है। आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर टू यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। ये थी फिंगर ट्रिक्स, और अब मैं बता दूं कि ये एल्गोरिथम तुम लोगों ने याद कैसे करना है। सिंपली सबसे पहले सेक्सी मूव है आर यू आर प्राइम यू प्राइम, उसके बाद स्लेज हैमर के पहले तीन मूव्स हैं, यानी कि आर प्राइम एफ आर, पहले तीन मूव्स आर प्राइम एफ आर। अब एक दफ़ा फिर सेक्सी मूव है, यानी कि आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और फाइनल स्टेप तो देख के ही पता तुम लोगों को एफ प्राइम। फिंगर ट्रिक्स बता दी, किस तरह लर्न करना है वो बता दिया, अब यार फिर बता देता हूँ यार दोबारा देख लो, वही केस है, होल्डिंग पोजीशन यही है, सबसे पहले सेक्सी मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम, उसके बाद स्लैश हैमर के पहले तीन मूव्स यानी कि आर प्राइम एफ आर, उसके बाद सेक्सी मूव एक दफ़ा फिर आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और फाइनल स्टेप एफ प्राइम, और तुम लोग बादशाह हो गए भाई, ये फिश केसेस के बादशाह बन गए। फाइनली आज क्या ऑयल का पार्ट ख़त्म हुआ, शुक्र है यार हम एंड पे पहुंच रहे हैं, बस ख़त्म होने ही वाला है ऑयल यार, जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को एक वीडियो में भी सारे केसेस समझा सकता हूँ, लेकिन नहीं, खैर ऐसा ऐसा समझाने में ये स्ट्रैटेजी ये है बेसिकली कि तुम लोग ऐसे याद कर लोगे, दो तीन दिन में एक वीडियो अपलोड करता हूँ तुम लोग वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लेते हो, और क्या चाहिए यार, मेन मकसद तुम लोगों को क्यूबर बनाना है। मैंने लर्न स्पीड क्यूबिंग की जो सीरीज़ शुरू की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें हो क्या रहा है आखिर, तुम लोगों को क्यूब को 10-11 सेकंड्स में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है उसके लिए भाई। तो आई थिंक आज के फिश केसेस आसानी से हमने सीख लिए हैं, और हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं यार। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद ही होगी, कोई भी टेंशन है तुम लोग डिस्क्रिप्शन देख लो, एल्गोरिथम्स यहाँ पे, अगर तुम लोगों को सेक्सी मूव इनवर्स सेक्सी हैच स्लैमर स्लज हैमर इंसर्ट करना पेयर को नहीं पता तो वो उस वीडियो से मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी, और भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब। तो भाई हम आ चुके हैं OLL के अगले पार्ट के साथ, आई थिंक सिक्स्थ पार्ट है ये, छठा पार्ट, अगर पिछले पांच देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लो। हम इस सीरीज में आप लोगों को OLL सिखा रहे हैं बिना किसी एल्गोरिथम के, हाँ लेकिन आपको एक वीडियो देखने की ज़रूरत है, हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको सिखाया है कि आप लोग एल्गोरिथम्स कैसे लर्न कर सकते हो, पिन कमेंट में लिंक है देख लेना, देखना हुआ तो। नहीं तो आज शुरू करते हैं, आज की वीडियो है नाइट मूव्स पर, नाइट मूव्स भाई क्या है, नाइट मूव शेप्स, हाँ भाई नाइट मूव शेप्स OLL है, ये शेप कुछ इस तरह की है देख लो, दोनों में ऊपर ऐसे, बट जब आप लोग यहाँ साइड्स पे देखना शुरू करते हो वहाँ पे सारी खेल बिगड़ जाती है। अच्छा, जो ही आपको ये शेप मिले तो ये जो एक डॉट है, ये कॉर्नर जो है जिस पे येलो ओरिएंट है, येलो टॉप पे, इसको डॉट बोलेंगे, इसको हम लेंगे फ्रंट पर, फ्रंट पर आ गया,
अब देखेंगे यहां पे ब्लॉक फ्रंट पर है, फ्रंट पर या बैक पर। भाई अभी बैक पर है दोनों के ब्लॉक, एक के राइट पर होगा, एक के एक लेफ्ट पर होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, ये देखो ये लेफ्ट, ये राइट होती है, ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे। तो भाई जिसके राइट साइड पे होगा, हमने कैसे रिकग्नाइज किया? सबसे पहले हम इसको फ्रंट पर लेकर आए, फिर हमने ब्लॉक देखा फ्रंट पे है कि बैक पे, अभी बैक पे है और फिर राइट पे है। अगर राइट पर होगा तो इसको हम ले आएंगे फ्रंट पर, फ्रंट पर आ गया। और अब ये एल्गोरिथम लगाएंगे, बट मैं पहले ही बता दूं वो एल्गोरिथम क्या है। स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम। अच्छा ये सेटअप मूव्स हैं, ये ऐसे ही है जैसे आप इस पेयर को निकाल रहे हो, आर यू आर प्राइम से इस पेयर को निकाल रहे हो ना, बट यहाँ आर की जगह स्मॉल आर है, डैट्स ऑल, बस ये है। अच्छा जी स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम, एक दफ़ा सेक्सी मूव करोगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और अब जो सेटअप मूव शुरू में किया था उसका रिवर्स, यानी कि इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे स्मॉल आर यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम, ईजी। या फिर आप लास्ट का ऐसे भी देख सकते हो कि ये क्रॉस पीस आप लोग इधर इंसर्ट कर रहे हो, दैट्स ऑल यार, इतना आसान है ये एल्गोरिथम। अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे सेक्सी मूव क्या आर यू आर प्राइम यू प्राइम, उसके लिए आप लोगों को एल्गोरिथम वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका लिंक पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में भी आपको समझ आ जाएगा। अच्छा दूसरा केस था कि सबसे पहले हमने ये इसको फ्रंट पे रखा, उसके बाद हमें पता लगा ब्लॉक बैक पर है और बैक में लेफ्ट साइड पर है। अगर ब्लॉक बैक में हुआ और लेफ्ट साइड पर हुआ तो यही हमारी होल्डिंग पोजिशन होगी, सेम एल्गोरिथम बट बैक से करेंगे स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर। ये ऐसे ही है जैसे हम ये पेयर को बाहर निकाल रहे हैं बैक से, लेकिन स्मॉल आर मूव से सेम वही है स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर। अब बैक से सेक्सी मूव करेंगे, बैक से सेक्सी मूव कैसे, हम इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं इस तरह और लास्ट इसको हम इंसर्ट कर देंगे, डैट्स ऑल। फिर एक दफ़ा समझा देता हूँ, ये सेम केस है, सबसे पहले हम कर रहे हैं सेटअप मूव्स स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर, उसके बाद बैक से सेक्सी कर रहे हैं, यानी कि हम इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं आर प्राइम, ये पेयर है यू प्राइम आर यू, और लास्ट पे हम अपना क्रॉस ठीक कर रहे हैं जैसे हमने शुरू के तीन मूव्स थे वैसे ही लास्ट के उसके इनवर्स मूव्स, सेटअप मूव्स को हमने रिवर्स कर दिया, डैट्स ऑल। इतना आसान है, बट इसमें टोटल चार केस हैं, अगले दो केसेस इससे भी आसान है। अगले दो केसेस ये हैं, सबसे पहले ऊपर से नाइट मूवी है भाई, जो शेप हमने देखी थी, सबसे पहले हमने इस डॉट को फ्रंट पर लेकर आना है। अब देखना है ब्लॉक जो है वो फ्रंट पे है कि बैक पे, भाई अभी फ्रंट पे ही है। अच्छा एक के लेफ्ट के फ्रंट पे होगा, एक के राइट पे होगा, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो राइट वाले पे पहले बात कर लेते हैं। होल्डिंग पोजिशन हमारी यही रहने वाली है, एल्गोरिथम बहुत आसान है, पहले फिंगर ट्रिक्स की बात करते हैं उसके बाद बताता हूँ याद कैसे करना है। अच्छा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो F मूव है वो मैं थंब से करता हूँ इस तरह, री ग्रिप नहीं मैं करता, ऐसे करता हूँ। अब U R U प्राइम R टू, अब F प्राइम मैं यहाँ से करता हूँ और R, और लास्ट तो सिंपल इनवर्स सेक्सी है, वो तो सबको ही करना आता है। अब बात करते हैं इसको आप लोगों ने याद कैसे करना है। सबसे पहले F कोई भी याद कर सकता है, उसके बाद एक दफ़ा इनवर्स सेक्सी करना है। इन्वर्स सेक्सी क्या है, ये पेयर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं इस पेयर को, यू आर यू प्राइम आर प्राइम, ठीक है। अब यहाँ से अपने दिमाग में या तो ये तीन मूव्स को सेव कर लो, आर प्राइम एफ प्राइम आर, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा ये तीन मूव्स याद कर लो आर प्राइम एफ आर, या फिर मैं बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। आर प्राइम से हम इस क्रॉस को ख़राब कर रहे हैं एक दफ़ा, उसके बाद इसको ठीक कर रहे हैं और लास्ट पे हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, और लास्ट पे दोबारा एक दफ़ा इन्वर्स सेक्सी है और हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, और ये बहुत फास्ट है। मैं एक दफ़ा आप लोगों को फिंगर ट्रिक्स करके दिखा देता हूँ ये कितना फास्ट है, एक सेकेंड का काम है यार, एक सेकेंड का। और ये रहा हमारा लास्ट केस जिसमें ऊपर से नाइट है और अगर हम इसको फ्रंट पर रखें तो ब्लॉक हमारे लेफ्ट साइड पर आ रहा है। सबसे पहले फिंगर ट्रिक्स की बात करते हैं, आर प्राइम होल्डिंग पोजीशन यही रहेगी हमारी, आर प्राइम एफ आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर एफ यू प्राइम एफ प्राइम, ईजी। अब बात करते हैं आप लोगों ने इस एल्गोरिथम को याद कैसे करना है। सबसे पहले आर प्राइम एफ कोई भी याद कर सकता है यार, आर प्राइम एफ,
अब आप लोगों ने इस पेयर को बाहर निकालना है, यानी इस पेयर को आर यू आर प्राइम से, और एक दफ़ा क्रॉस को ठीक कर देना है। ये जो क्रॉस ख़राब हो रहा है ना हमारा, इसको ठीक किया, और अब ये भी ख़राब हो रहा है, इसको भी ठीक कर दिया। हमने अपना क्रॉस ठीक किया और लास्ट में इस पेयर को यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं हम। हाँ, आप लोग रोटेट करके इसको इंसर्ट कर सकते हो, बट नहीं, आप लोग यहाँ रहे तो ये फ्रंट लेयर की मदद से इसको यहाँ पर इंसर्ट करोगे। ईजी यार, इतना मुश्किल नहीं है। नाइट मूव तो सबसे आसान ओएलएल है, और मज़ेदारी की बात यह है हमारा ओएलएल का आखिरी चैप्टर रह गया। टोटल ओएलएल में 3 पेजेस होते हैं ना जो क्यूब स्किल्स पे है, तो बस हम लास्ट पे पहुंच चले हैं, पहुंच गए हैं समझो। तो भाई हम जल्द ही, हमारा ये ओएलएल ख़त्म हो रहा है, उसके बाद पीएलएल शुरू करेंगे और हम अपनी लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज़ को अलविदा कह देंगे। सब्सक्राइब कर लो यार, और लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज़ को ज्वाइन कर लो। इस सीरीज़ में तुम लोगों को मैं रूबिक्स क्यूब को किस तरह सॉल्व करते हैं 10-11 सेकेंड्स में वो सिखा रहा हूँ, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ तुम लोग इस सीरीज से सीख सकते हो। एक सेकेंड यार, ओ भाई 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 भाई, ये देखो भाई, तुम लोग भी ऐसे सॉल्व करना सीख जाओगे। तुम लोगों के सामने स्क्रैम्बल किया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज, उसको ज्वाइन करो, फ्री है बिल्कुल। उस प्लेलिस्ट को खोलो, वीडियोस देखो, एंजॉय करो यार, और सब्सक्राइब यार। फाइनली हम आ चुके हैं पार्ट 7 के साथ, फुल ओएलएल विदाउट एल्गोरिथम, बिना किसी एल्गोरिथम के पूरा ओएलएल सिखा रहे हैं हम इस सीरीज में। अगर आपने पिछले 6 पार्ट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑकवर्ड केसेस पे, बट इससे पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें हमने बात की है कि हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स, क्योंकि वो देखी होगी तो ये पार्ट समझ आएगा। अच्छा, ऑकवर्ड शेप, हम पॉइंट पे आते हैं। ऑकवर्ड शेप कुछ ऐसी है, एक ऐसा मतलब ऐसा कुछ और एक डॉट, यहाँ भी देख लो। ऑकवर्ड शेप ऊपर से कुछ ऐसी लगती है, आप अपने हिसाब से रिकग्नाइज कर सकते हो, लेकिन जब हम इसके साइड्स पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक ब्लॉक मिल जाता है येलो का, ये देखो, और इसमें भी एक ब्लॉक येलो का मिल गया। तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि जब ऑकवर्ड शेप हो और कहीं पर येलो का ब्लॉक भी हो, तो उस ब्लॉक को आप लोगों ने रखना है राइट साइड पर, ऐसे राइट साइड पर, और इसके भी राइट साइड पर, दोनों के ब्लॉक राइट साइड पे। बट अब आप लोग एक और चीज गौर करो कि इसका जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ है, यानी यहां पे है, यहां पहले वाले 2 पीसेस में, जबकि इसका ब्लॉक पीछे है। आप लोग देख सकते हो, ये आगे है और ये पीछे है। तो भाई जिसमें ब्लॉक मतलब थोड़ा आगे हो, आप लोगों ने उसको कैसे सॉल्व करना है? एल्गोरिथम आप लोगों को पहले ही आता है, जब ब्लॉक इधर होगा आगे की तरफ तो आप लोगों ने इस ब्लॉक को अपने फ्रंट पे कर लेना है, और उसके बाद ये एल्गोरिथम लगाना है। इससे सिंपल एल्गोरिथम कोई नहीं है। सबसे पहले सेक्सी मूव, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। अब आप लोगों ने अपने दिमाग को बताना है कि ये एक पेयर है और इसने इधर जाना है, ये एक पेयर है और इसने इधर जाना है, तो कैसे जाएगा? आर यू प्राइम आर प्राइम, पेयर हो गया। अब आप लोगों ने बताना है ये 2 पीसीज हैं, अपने दिमाग को ये 2 पीसीज हैं और इन्होंने इधर पेयर बन के जाना है। मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 2 पीस हों तो हम यहाँ से ऐसे पेयर बनाते हैं ना, तो वही सेम केस है। तो यहाँ से हमने इन दोनों का पेयर बनाना है, F प्राइम U प्राइम F, और लास्ट आप लोगों को देख के पता लग जाएगा इस पेयर को आप लोग जैसे सॉल्व करते हैं R U R प्राइम, और आपका ओएलएल सॉल्व। दोबारा बता देता हूँ, सिंपल है, ये ब्लॉक को फ्रंट पर लेकर आएंगे, सेक्सी मूव, इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इसका पेयर बना के इंसर्ट करेंगे, और लास्ट आपको देख के पता लग जाएगा। और रही बात दूसरे केस की, जिसका हमें ये ऊपर ऑकवर्ड शेप मिला, एक ब्लॉक मिला, उसको राइट पे रखा तो हमें पता लगा ब्लॉक पीछे है, तो हमारी होल्डिंग पोजीशन यही रहने वाली है और एल्गोरिथम ऊपर चल गया। बल्कि मैं आपको पहले एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। एक मूव होता है सेक्सी मूव, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, सेम यही मूव है, सेम यही, बट जो आर यू, जो दूसरा यू है, आर के बाद यू है, वो यू टू में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम, बस इतना ही है। और ये एल्गोरिथम इतना आसान है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जो मैंने अभी भी आप लोगों को आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम बताया, सेक्सी मूव का थोड़ा सा इन्हेंस्ड वर्जन, वही 2 दफ़ा लगाना तो इसने सॉल्व हो जाना, बट वो 2 दफ़ा लगाने से पहले एक दफ़ा आप लोगों ने एक मूव करना है, और वो है एफ और यू। एफ और यू कोई भी याद रख सकता है, एफ और यू यहां से पुश करेंगे। अब 2 दफा वही सेक्सी मूव जो इनहेंस्ड वर्जन सीखा है, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम, और फाइनल तो आपको देख के ही पता लग जाएगा और आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे यार। हाँ, ये इतने ही आसान होते हैं यार।
दोबारा बता देता हूँ, वही केस है। आप लोग पहले दो लेटर्स याद करोगे, F और U, दो दफ़ा सेक्सी मूव, बट जो इसमें U है वो U2 है, R U2 R प्राइम U प्राइम R U2 R प्राइम U प्राइम, और लास्ट मूव आपको देख के पता लग जाएगा, सिंपल यार। भाई अगले दो ऑकवर्ड शेप के जो केसेस है वो ये हैं, और ये आखिरी दो हैं, उसके बाद ऑकवर्ड शेप ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ऑकवर्ड शेप ऊपर से सेम वही जैसे पहले था, पिछले दो केसेस में टॉप पे सेम ऐसे ही था, लेकिन उनके साइड पे कहीं पर ब्लॉक मिल जाता, बट इसके साइड पे कोई भी दो ब्लॉक नहीं मिल रहा ना येलो का, इधर भी नहीं है, जबकि यहाँ पे हेडलाइट्स हैं। देखो यहाँ भी हेडलाइट्स हैं, यहाँ भी हेडलाइट्स हैं। जो ही ऐसा केस हो कि ऑकवर्ड शेप हो और साइड्स पर ब्लॉक ना हो यहाँ साइड्स पर, जबकि हेडलाइट हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेक श्योर करना है जो ये लाइन है, मतलब ये लाइन और इधर ये लाइन, ये लेफ्ट साइड पर आए कुछ इस तरह, ये लेफ्ट साइड पे, अब इसको भी लेफ्ट साइड पर कर देंगे, ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन। और अब हम देखेंगे जो हेडलाइट है वो हमारे फ्रंट पे है या बैक में, एक के बैक में चले जाएगी, एक के फ्रंट पे होगी। मेक श्योर करना है कि ये लाइन लेफ्ट पर रहे ना, लेफ्ट पे ऐसे हो तो ऐसे कर देना, ठीक है। अच्छा, जिसके बैक पर चले गई है, होल्डिंग पोजीशन हमारी यही है। और अगर आप लोगों को दो केसेस सॉल्व करने आते हैं, मैं आपको पहले दिखा देता हूं, अगर आप लोगों को ये दोनों केसेस सॉल्व करने आते हैं, पहला तो है सून, ये सून आर यू आर प्राइम यू आर टू यू प्राइम, और दूसरा है हमारा टी केस, यानी कि एफ सेक्सी एफ प्राइम, तो भाई आप लोगों को ये पहले ही आता है, क्योंकि इस केस में आप लोगों ने सबसे पहले सून एल्गोरिथम लगाना है, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, और अब ये एक टी केस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एफ सेक्सी एफ प्राइम। अगर आप लोगों को सून क्या होता है, सेक्सी क्या होता है नहीं समझ आ रहा, तो भाई पिन कमेंट में वीडियो का लिंक है, हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स, वो देख लो। अच्छा देखो भी ओरिएंट हो गया। और जो दूसरा है, दूसरा उससे भी आसान है, हमने कहा था जो ही ये केस आए तो हमने इसको लेफ्ट पर रखना है, और हेडलाइट सब फ्रंट पे हैं, पिछले केस में बैक में थी, यहाँ पे सेम अपोजिट। मैं आपको बताता हूँ, अगर तो आपको ये केस आता है सून का, जिसको हम एंटी सून कहते हैं, यानी कि बैक से जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू आर, अगर तो आप लोगों को ये सॉल्व करना आता है, ये केस आपको पहले ही से ही आता है, सबसे पहले हम एंटी सून एक दफ़ा करेंगे, जो हम पहले सीख चुके हुए हैं, एक दफ़ा एंटी सून करेंगे, और अब दोबारा टी केस में ये कन्वर्ट हो गया, यानी एफ सेक्सी एफ प्राइम। एंटी सून एक दफ़ा समझा देता हूँ, आखिर हम एंटी सून में कर क्या रहे हैं, हम इस पेयर को बाहर निकालते हैं, बाहर आ गया, अब इस पेयर को एक दफ़ा आगे लेकर आते हैं, अब इस पेयर को यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं, एक दफ़ा फिर आखिरी केस दिखा देता हूँ और फिर गुड बाय कहते हैं। ये हमारा सेम वही आखिरी वाला केस है, इसको हमने लेफ्ट पे किया, हेडलाइट्स हमारे फ्रंट पे हैं, एक दफ़ा एंटी सून करेंगे, और उसके बाद ये टी केस में कन्वर्ट हो गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट्स ऑल यार, फाइनली फाइनली सेवंथ पार्ट खत्म। इसके बाद आखिरी तीन वीडियोस आएंगी, जो अब मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, आई थिंक कल एक कर दूंगा, परसों एक कर दूंगा, और दो तीन दिन में इस सीरीज को खत्म करें यार, ये तो खत्म ही नहीं हो रही सीरीज। उसके बाद PLL दो तीन दिनों में खत्म हो जाएगा, और लास्ट एक वीडियो आएगी जिसमें हम बात करेंगे 10-11 सेकंड्स में क्यूब को कैसे सॉल्व करना है, और ये सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी। भाई मैं आखिर किस सीरीज की बात कर रहा हूँ, भाई मैं लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज की बात कर रहा हूँ, उसमें हम इस रूबिक्स क्यूब को 10-11 सेकंड्स में सॉल्व करना सिखा रहे हैं। भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो प्लेलिस्ट, सीख लो, और यार सब्सक्राइब। भाई हम आ चुके हैं OLL के पार्ट 8 के साथ, आठवां पार्ट है, पिछले सात देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। आज हम बात करने वाले हैं L शेप्स पर, और यार ये सबसे इजी और सबसे फेवरेट है मेरे, क्योंकि यार इनकी फिंगर ट्रिक्स बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूट बहुत जल्दी हो जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या इसके फायदे हैं, बट ये वीडियो देखने से पहले आप लोग मेक श्योर कर लेना कि आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स, पिन कमेंट में लिंक है, देख लो, देखना तो। अच्छा जी, ये तो इजी है, ऊपर से देखने में ही पता लग जाता है भाई एक एल बना हुआ है ना, एल ऊपर से तो देख के ही समझ के, बट सारा खेल ये साइड्स का है। एल बना हो और हेडलाइट्स और एक ब्लॉक मिले, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, दो कलर मैच और दो कलर ऐसे साइड्स पे, इसको हम हेडलाइट बोलते हैं। एल हो, हेडलाइट हो और ऐसा ब्लॉक हो, इसमें भी देख लो, एल हो सॉरी एल हो, हेडलाइट हो और ऐसा ब्लॉक हो, तो हम जब हेडलाइट और ब्लॉक हो तो ब्लॉक को करते हैं फ्रंट पे दोनों केसेस में, जैसे ये ब्लॉक अभी राइट पे है तो हम इसको फ्रंट पे कर लेंगे, दोनों फ्रंट पे। अब हम एक चीज़ नोट करेंगे, हमारा जो ब्लॉक है वो लेफ्ट पे है कि राइट पे है, अभी कहाँ है,
लेफ्ट पे, ये देखो लेफ्ट राइट तो ये होता है, अभी लेफ्ट पे है, इसमें राइट में है। तो जिसमें राइट में होगा उसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, आपको एल्गोरिथम पहले ही आता है, एक दफ़ा करेंगे एफ, दो दफ़ा करेंगे सेक्सी मूव, आर यू आर प्रेम यू प्रेम, आर यू आर प्रेम यू प्रेम और एफ प्राइम, और हो गया ना सॉल्व। भाई अगर नहीं पता सेक्सी मूव क्या है तो भाई पिन कमेंट देख लो, हाउ टू लर्न एल्गोरिथम समझ जाओगे। और जिसमें एल हो, हेडलाइट हो और ब्लॉक हो, और ब्लॉक को हमने रख लिया फ्रंट पे और ये है लेफ्ट पर, तो इसको सेम उसके अपोजिट लेफ्ट साइड से करेंगे हम एफ प्राइम और लेफ्ट से सेक्सी मूव करेंगे। लेफ्ट से सेक्सी मूव कुछ इस तरह होता है, एल्गोरिथम ऊपर चल रहा है, सेम वही मूव्स जो हम राइट से किए हैं उसके वही अपोजिट, और इसको कर देंगे वापस और ये हमारा हो गया सॉल्व। भाई अगले दो एल के केसेस सबसे ही आसान है क्योंकि इसकी फिंगर ट्रिक्स बहुत बहुत ना अट्रैक्टिव है। एल ऊपर से तो ऐसे ही होगा बट साइड पर आपको एक बार मिल जाएगी, इसको हम बार बोलते हैं, तीनों कलर मैच और एक ब्लॉक मिल जाएगा। इधर भी एल है, एक बार है और एक ब्लॉक है, तो ऐसी कंडीशन में हम बार को करेंगे लेफ्ट में, ये लेफ्ट में कर दिया, यहाँ भी लेफ्ट में कर दिया। और अब एक चीज़ नोट करेंगे कि जो हमारा एल है वो यहाँ नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, अभी देखो किस तरफ है, ये नीचे है ये ऊपर है, तो इसको बाद में देखते हैं, पहले इस केस को देख लेते हैं जिसमें ये ऊपर की तरफ है, इसमें एल ऊपर की तरफ है, बार को लेफ्ट में कर दिया और ब्लॉक फ्रंट पे हमारा रहेगा। अच्छा, होल्डिंग पोजीशन हमारी यही है, बट मैं पहले एक छोटा सा कॉमेंटेटर कह लो या एक मूव्स कह लो कुछ आपको सिखाना चाहता हूं, वो क्या है, r2 बहुत ईजी है, अब ऊपर लिखे भी आ जाएंगे, स्मॉल r2 यू, small r2 u small r2। अगर आप लोग ये मूव्स सीख लेते हो, मैं दोबारा बताता हूँ, small r2 u small r2 u small r2, अगर आप लोग ये मूव्स सीख लेते हो आप, तो आप लोग इस केस को सॉल्व करना सीख चुके हो ऑलरेडी। सबसे पहले दो, अब ये एल्गोरिथम ऊपर आ गए इस केस का, सबसे पहले दो मूव्स आपको याद करने पड़ेंगे, r small r u prime, इतना तो कोई भी याद कर सकता है। अब वो मूव्स जो अभी हमने सीखे हैं वो करेंगे, यानी कि small r2 u small r2 u small r2। अब इतना होते ही आपको पता लग जाएगा लास्ट के दो मूव्स के, हम इसको इससे मैच करेंगे यू प्राइम और स्मॉल आर कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये तो था आप लोग इसको इंट्यूटिवली कैसे याद कर सकते हो, बट मैं सच बताऊं ये तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं है इसको याद करने का, आपको ये एल्गोरिथम फिंगर ट्रिक्स से याद करना पड़ेगा और मैं बताता हूँ वो आपने कैसे करना है। स्मॉल आर यू प्राइम, स्मॉल आर टू प्राइम U, यहां से आप लोग ड्रैग करेंगे, स्मॉल आर टू यू, यहां से आप लोग U फ्लिक करेंगे, स्मॉल आर टू प्राइम U प्राइम और स्मॉल R। आप लोग एक दफा पहले जैसे मैंने सिखाया ना इंट्यूटिवली वैसे लर्न कर लो, उसके बाद ये फिंगर ट्रिक में इसको ना कन्वर्ट करो, और ये बहुत, अगर आप लोग इसको फिंगर ट्रिक से सीखते हो तो ये सेम केस है जो मैंने अभी अभी आपको फिंगर ट्रिक सिखाई। यार इतना ये फास्ट है ना, जिसकी कोई हद नहीं है, देखो एक झटका है, एक झटका। और रही बात दूसरा केस, एल है, एक ब्लॉक है और एक बार है, तो बार को हम करेंगे लेफ्ट में, और अब L नीचे है, पिछले केस में L ऊपर था, ठीक है, अब नीचे है, तो वही हमेशा वाली बात, इसको सीखने से पहले हम एक मूव सीख लेते हैं, सेम पिछले मूव का अपोजिट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, r small r2 u prime small r2 u prime small r2, पिछले में u प्राइम नहीं था, u था। अगर आप लोग इन मूव्स की प्रैक्टिस कर लो तो ये केस आपको ऑलरेडी आता है, पहले दो मूव्स आप लोग हमेशा की तरह याद करोगे, स्मॉल r U, ये आपको याद करने पड़ेंगे, स्मॉल r U। अब जो हमने कॉमेंटेटर सीखा था, स्मॉल r2 U प्राइम, स्मॉल r2 U प्राइम, स्मॉल r2, और इतना होने के बाद आपको पता लग गया कि आप लोगों ने आखिर के दो मूव कैसे कर रहे हैं, यानी कि U और स्मॉल r प्राइम। लेकिन मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इतनी बुरी फिंगर ट्रिक्स सीखो इस एल्गोरिथम के, इंट्यूटिवली सीखना तो आप ऐसे सीख सकते हो, बट फिंगर ट्रिक्स, अब इसकी देखो असल फिंगर ट्रिक्स क्या है, स्मॉल आर प्राइम यू, यहां से ड्रैग करना है आप लोगों ने इस तरह, स्मॉल आर टू यू प्राइम, स्मॉल आर टू प्राइम यू प्राइम, स्मॉल आर टू यू, या फिर आप लोग यहां से फ्लिक भी कर सकते हो, मैं यहां से फ्लिक करता हूं, स्मॉल आर प्राइम, और ये भी
बहुत बहुत फास्ट, बहुत फास्ट एल्गोरिथम है। मतलब ये देखना, ओए होए होए भाई, हवाई जहाज की स्पीड है भाई। ये है हमारे लास्ट दो केसेस एल शेप के। भाई यार एल में ज़रा छः केसेस हैं। अच्छा खैर, और ये बहुत आसान है। ऊपर से सेम एल बना बट साइड पे अब क्या मिल रहा है हमें, एक बार मिल रही है और एक हेडलाइट मिल रही है। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाना भाई कि ये क्या हो रहा है, पिछले केस भी ऐसा था। भाई पिछला केस ऐसा नहीं था। जो सबसे पहले दो केसेस थे उसमें एक ब्लॉक था और एक हेडलाइट थी। जो दूसरा केस था उसमें एक बार थी और एक ब्लॉक था। अब ये जो बाकी लास्ट के दो केसेस हैं इसमें एक बार है और एक हेडलाइट है। शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा बट प्रैक्टिस के साथ सब खत्म हो जाएगा। एक दिन की प्रैक्टिस की मार है। अब इसमें एक बार है, एक हेडलाइट है, एक बार है, एक हेडलाइट है। ऐसी कंडीशन में हमने हमेशा की तरह बार को कर देना लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट में कर दिया। अब इस बार को भी कर देंगे लेफ्ट में, दोनों की बार लेफ्ट में चलेगी। अब देखो एक का एल नीचे है और एक का एल ऊपर है। ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ है, ज़रा थोड़ा नीचे है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी एल्गोरिथम है, मजाक ही एल्गोरिथम के नाम पे। पहले फिंगर ट्रिक्स देख लेते हैं फिर बताता हूँ कैसे इसको याद करना है। स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू स्मॉल आर। एल्गोरिथम बहुत इजी है। पहले दो मूव्स याद करने पड़ेंगे, स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम, कोई भी याद कर सकता है ये। अब इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करना, इस पेयर को, तो आर यू प्राइम आर प्राइम से इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब इस पेयर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तो इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हमें एक दफ़ा इन्वर्स एक्स ही करना पड़ेगा। पेयर को साइड पे करके इंसर्ट कर देंगे। जब इसको इंसर्ट कर दिया तो आखिरी तो देख के ही पता लग जाता है, यानी कि यू टू, और ये सारा हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंट्यूटिव एल्गोरिथम है, आप लोग खुद से सीख सकते हो यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये बात कर लेते हैं अब इसी के दूसरे केस की, जिसमें हमें एल मिल रहा है, हेडलाइट मिल रही है और बार, और बार को लेफ्ट पे रखा और एल ऊपर की तरफ है। भाई पहले फिंगर ट्रिक्स और फिर एल्गोरिथम पे बात करते हैं। स्मॉल आर यू यहाँ से पुश करेंगे, आर प्राइम यू आर यू प्राइम आर प्राइम यू आर यू टू स्मॉल आर प्राइम। अब बात कर लेते हैं एल्गोरिथम को याद कैसे करना है। पहले दो मूव्स याद करने हैं, स्मॉल आर यू, कोई भी याद कर सकता है। अब इस पेयर को हम बैक में इंसर्ट कर रहे हैं, इस पेयर को, मतलब कि कैसे, आर प्राइम यू आर बैक में हो गया इंसर्ट। अब इस पेयर को हम बैक में इंसर्ट कर रहे हैं, इस पेयर को, तो हम कैसे करेंगे, यू प्राइम आर प्राइम यू आर हो गया इंसर्ट वो वाला पेयर। और लास्ट तो देख के पता लग जाता है कि यू टू करके हम मिला रहे हैं और स्मॉल आर। और यार बस यार क्या मैं बताऊँ, इतने इजी एल्गोरिथम्स हैं। फाइनली बस दो वीडियोस रह गई हैं इस पे आने वाली, आजकल मैं ख़त्म कर रहे हैं। OLLPLL शुरू कर देंगे, वो तीन दिनों में ख़त्म कर देंगे और हमारी ये सीरीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी शायद। यार वैसे अफसोस हो रहा है, बड़ी यार यादें जुड़ी हैं इस सीरीज़ के साथ। पता नहीं कितने लाखों लोगों ने क्या कुछ सीख लिया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है यार। अब हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम ये सीरीज़ जो हमारी है उसका मकसद क्या है, क्यूब को 10-11 सेकंड्स में सॉल्व करना मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने सीरीज़ ज्वाइन करनी है लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब यार। फाइनली हम आ चुके हैं OLL के पार्ट 9th के साथ, सेकंड लास्ट भाई, सेकंड लास्ट OLL का पार्ट। आज हम बात करने वाले हैं लाइटनिंग बोल्ट पे, 9th पार्ट है। अगर पिछले 8 पार्ट में से कोई भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा जी, लाइटनिंग बोल्ट ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है यार, कितना क्यूट है। अच्छा खैर, वैसे ये वीडियो देखने से पहले तुम लोगों को वो वीडियो देखनी ज़रूरी है जिसमें मैंने बताया कि हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स ना, वो वीडियो देख लेना, पिन कमेंट में लिंक है। अच्छा, लाइटनिंग बोल्ट्स भाई, लाइटनिंग बोल्ट्स ऊपर से ऐसे ही रहते हैं, सारी गेम साइड्स की है, इन साइड्स पे। अच्छा, जब ऊपर से ऐसी शेप हो और साइड्स पे दो जगह पे ब्लॉक बने हो, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। ये दो मैचिंग येलो कलर्स, ये देखो इधर चारों तरफ जब हम देखते हैं तो इन दो तरफ ब्लॉक्स हैं, इधर भी दो तरफ ब्लॉक्स हैं। अच्छा, जब लाइटनिंग बोल्ट हो और कोई दो ब्लॉक्स मिल रहे हो, तब आप लोगों ने जो लाइटनिंग बोल्ट है उसको लेफ्ट साइड पे कर देना, मतलब ऐसे, ये थोड़ा लेफ्ट साइड पे चला गया है, इसको भी कर देंगे ऐसे, लेफ्ट साइड पे चला गया। ये दोनों लाइटनिंग बोल्ट हो गए लेफ्ट साइड पर। अब हम देखेंगे कि यहाँ फ्रंट पे कोई ब्लॉक है
इसके ब्लॉक है, इसके फ्रंट पे नहीं है, इसके इधर है। तो जिसके फ्रंट पे होगा यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, होल्डिंग पोजीशन हमारी यही रहेगी। भाई अगर तो आप लोगों को ये केस सॉल्व करना आता है, सून केस आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, तो सेम यही एल्गोरिथम है, बस पहला और लास्ट वाला जो आर आर प्राइम था वो स्मॉल आर प्राइम में कन्वर्ट हो गया, यानी कि स्मॉल आर यू आर प्राइम यू आर यू टू स्मॉल आर प्राइम, डैट्स ऑल। और रही बात दूसरा केस जिसके ब्लॉक यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे है और लाइटनिंग बोल्ट हमने लेफ्ट में कर दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये केस सॉल्व करना आता है, यानी एंटी सून आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू आर, तो सेम यही एल्गोरिथम है, बस पहला और लास्ट वाला स्मॉल आर बन गया ना, यानी कि स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू स्मॉल आर प्राइम, डैट्स ऑल। जिस बंदे को सून एल्गोरिथम आता है उसको ये पहले ही आते थे। हम आ चुके हैं अगले दो लाइटनिंग बोल्ट के केसेस के साथ। पिछले केस में ऊपर से लाइटनिंग बोल्ट था और यहाँ पे कोई दो ब्लॉक्स मिल रहे थे, जबकि इस केस में सिर्फ एक ब्लॉक है और इधर भी सिर्फ एक ब्लॉक है, बाकी तीनों साइड्स पर कोई ब्लॉक नहीं है। जब ऐसी कंडीशन हो कि लाइटनिंग बोल्ट हो और कोई एक ब्लॉक भी मिल रहा हो, तो लाइटनिंग बोल्ट को हम कर देंगे फ्रंट पर, ये फ्रंट पर, ये अभी बैक में है, इसको भी कर देंगे फ्रंट पर। दोनों के फ्रंट पर लाइटनिंग बोल्ट आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे एक ऐसा पीस होगा आपके फ्रंट पे, जब आप लोग लाइटनिंग बोल्ट को फ्रंट पे करोगे तो एक ऐसा कॉर्नर होगा जिसके टॉप में येलो नहीं होगा, तो वो राइट में है कि लेफ्ट में है, हम वो देखेंगे। इसमें राइट में है, इसमें लेफ्ट में है, तो जिसमें राइट में है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। भाई यार इतना आसान एल्गोरिथम है, इतना आसान कि तुम लोग खुद कहोगे यार ये क्या क्या भाई क्या बता रहे हो, मजाक कर रहे हो। भाई पहला मूव तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। हाँ पहला मूव क्या है, एम, कोई भी याद कर सकता है एम। एम मतलब कि मिडल वाली लेयर को तुम लोगों ने नीचे करना है, लेकिन यहाँ पे नीचे तुम लोग ऐसे करोगे, फिंगर ट्रिक्स इसकी ऐसे ही एफिशिएंट है, यानी कि कुछ इस तरह, ये हमारा एम है। उसके बाद एक दफ़ा सून एल्गोरिथम जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, और लास्ट वाला आपको देख के ही पता लग गया ना, मतलब ये येलो को येलो से यू से मैच करेंगे, और लास्ट एम प्राइम, यार ये क्या था। हाँ ये इतना ही आसान है। और अगर दूसरे वाले केस की बात करें जिसमें एक ब्लॉक है, तो लाइटनिंग बोल्ट को हमने फ्रंट पे रखा और जो मिस ओरिएंटेड कॉर्नर है वो हमारे लेफ्ट पे आया, तो ऐसी स्थिति में हमने इसको लाइटनिंग बोल्ट को बैक में कर देना, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है ये वाला हमारा कॉर्नर ना, तो हम इसको बैक में कर देंगे लाइटनिंग बोल्ट को और ब्लॉक को कर लेंगे फ्रंट पर। और यहाँ दोबारा तुम लोगों को पहला मूव याद करना पड़ेगा, एम प्राइम। एम प्राइम तुम लोग मिडल फिंगर से कुछ इस तरह करोगे एम प्राइम। अब एंटी सून जो हमने अभी शुरू में डिस्कस किया ना, एंटी सून का एल्गोरिथम एक दफा लगाओगे और लास्ट तुम लोगों को देख के ही पता लग गया कि वाइट वाइट से अटैच होगा और एंड पे एम। मैं फुली इंट्यूटिव तुम लोगों को ये सिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम एल्गोरिथम्स की बात ही नहीं कर रहे यार। मुझसे भी अच्छा कोई है इस दुनिया में बंदा कि एल्गोरिथम्स की बात ही नहीं कर रहा। जिस बंदे को सून और एंटी सून आ गया वो ये लाइटनिंग बोल्ट उसको पहले ही आते हैं। आखिरी दो केसेस की बात कर लेते हैं, ये रहे आखिरी दो केसेस लाइटनिंग बोल्ट्स के। लेकिन तुम लोग अभी हैरान और परेशान होगे कि पिछले जो चार केसेस हमने सीखे उसमें लाइटनिंग बोल्ट की शेप ऐसी नहीं थी बल्कि ऐसी थी। हाँ मुझे पता है यार, इसको भी हम लाइटनिंग बोल्ट मानते हैं, ये भी लाइटनिंग बोल्ट ही है हमारा, ऊपर से ऐसा होगा भाई। हाँ ऐसा होता है यार, पता नहीं क्या कुछ होता है, और कहीं ना कहीं तुम लोगों को एक ब्लॉक मिल जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि एक ये लाइटनिंग बोल्ट का ये वाली शेप तुम लोगों को मिल जाए और उसके साथ एक ब्लॉक भी होगा, कहीं ना कहीं ये रहा ब्लॉक, इसमें भी होगा ये रहा ब्लॉक, तो तुम लोगों ने ऐसे केस में ब्लॉक को कर देना बैक में। ये दोनों के ब्लॉक्स को कर दिया हमने, ये ब्लॉक बैक में हो गया, ये भी ब्लॉक बैक में हो गया। अब यहां पे तुम लोगों ने देखना है वो जो कॉर्नर पीस है फ्रंट पे जिसके टॉप पे येलो है वो राइट में है या लेफ्ट में। इस वाले केस में राइट पे है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। इस वाले केस में लेफ्ट पे है, ये केस आपको पहले ही एल्गोरिथम आता है। अगर ऐसा केस हो लाइटनिंग बोल्ट हो, ब्लॉक को बैक में कर दिया, जो कॉर्नर के टॉप पे येलो है वो लेफ्ट पे है, तो आप लोग यही होल्डिंग पोजीशन रखते हुए ये छोटा सा एल्गोरिथम लगाओगे, एफ सेक्सी एफ प्राइम और अब एंटी सून, वही जो हमने शुरू में सीखा बल्कि कई वीडियोस पहले सीखा है। अगर तुम लोगों को नहीं समझ आ रही तो तुम लोग जाके भाई मेरी वो वीडियो देखो ना, हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और अब एंटी सून का एल्गोरिथम लगा लेंगे। मैं तुम लोगों को दोबारा बता देता हूँ यार, देखो ये वही केस है, एफ
सेक्सी एफ प्राइम और अब एंटी सोन। यार ये केसेस तुम लोगों को ऑलरेडी आते हैं, मैं ऐसे ही जान के बता रहा हूँ तुम लोगों को। और ये था हमारा दूसरा और लास्ट केस लाइटनिंग बोल्ट का, जिसमें हमें लाइटनिंग बोल्ट मिला और बैक में हमने ब्लॉक को रखा, और जो हमारा ओरिएंटेड कॉर्नर पीस है जिसके टॉप में येलो है वो राइट साइड पे। तो यहाँ पे हम ईजी सा एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आर प्राइम करेंगे। सबसे पहले आर प्राइम याद कर सकते हो तुम लोग, आर प्राइम। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, याद है शुरू में तुम लोगों को सिखाते थे हम क्रॉस बनाने का तरीका, कि अगर ऐसी लाइन बनी आ जाए तो एफ सेक्सी एफ प्राइम करते हैं, वही है। तो यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं मैं बताता हूँ, आर प्राइम। अब तुम लोगों ने करना है एफ सेक्सी एफ प्राइम, यानी कि एफ सेक्सी एल्गोरिथम एफ प्राइम, और लास्ट का तो तुम लोग देख के ही समझ सकते हो, यू और आर करके तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। और फाइनली हमारा सेकंड लास्ट पार्ट खत्म। ओ यार हमारा ओएलएल का लास्ट पार्ट रह गया, जो हम अब अगली वीडियो में बात करेंगे। यार मुझे दिल ही खुशी हो रही है कि हम कितने अच्छे से ये अपनी लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज को लेकर चल रहे हैं। अगर तुम लोगों ने लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं की तो क्या कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो, ज्वाइन कर लो ना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा कुछ लोग पूछेंगे भाई लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज, मैं बताता हूं। ये देखो, ये मैंने रूबिक्स क्यूब को किया स्क्रैम्बल और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। और फिलहाल ये पता नहीं यार, मैं जब भी वीडियो बनाने लगता हूं मेरा दिन का पहले ही सॉल्व होता है, क्योंकि मैं पूरा दिन शूटिंग ही करता रहता हूं आमतौर पे। अच्छा तुम लोग चाहते हो कि इस तरह तुम लोग स्पीड पर क्यूब को सॉल्व कर लो, तो तुम लोगों को ये सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये फ्री है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन करो। 10, 11, 12 सेकंड्स में क्यूब को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। उम्मीद है कुछ दिनों में ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। और सब्सक्राइब करो यार। Finally, OLL का 10th पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। हम इसमें इस सीरीज़ में फुल OLL सिखा रहे हैं बिना किसी एल्गोरिथम के। और आज बात करेंगे डॉट केसेस पर। यार डॉट केसेस क्या है, टोटल 8 केसेस हैं और सबसे आसान केसेस है। जिस बंदे को सेक्सी मूव आता है ना, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और जिस बंदे को स्लेज हैमर आता है आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, जिस बंदे को ये दो मूव्स आते हैं उसको डॉट ओएलएल सारा आता है, कसम से। जाओ भाई, इससे बड़ी कोई बात है। अगर तुम लोगों को सेक्सी मूव क्या होता है, स्लेज हैमर क्या होता है नहीं पता, तो पिन कमेंट में एक वीडियो का लिंक है, हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स, वो देख लो और सीख लो। और भाई स्टार्ट करते हैं अपने पहले केस से। ऊपर से डॉट होगा भाई, डॉट मतलब देखो कोई भी नहीं ना, कोई भी नहीं है, कोई भी येलो नहीं है, बस एक डॉट है। अच्छा, और साइड्स पे जब देखोगे तो ऐसा केस होगा कि यहाँ पे एक बार है, एक यहाँ पे बार है, तीन मिलते हैं कलर्स को हम बार कहते हैं येलो के, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, दो बार्स मिल रही हैं हमें और एक डॉट। तो ऐसी स्थिति में हम बार्स को रखेंगे साइड्स पर, एक को राइट पे एक को लेफ्ट में, और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। हाय हाय हाय, क्या एल्गोरिथम है। पहले इस फिंगर ट्रिक्स देख लो और फिर बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। आर यू टू आर टू एफ आर एफ प्राइम यू टू आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। कुछ लोग तो भाई उनके सांस सूख गए होंगे कि इतना लंबा एल्गोरिथम। बताता हूँ भाई हम कर क्या रहे हैं, इसको याद कैसे करना है। इस पेयर को हम पीछे भेज रहे हैं, कैसे, आर यू टू आर प्राइम से पेयर यहाँ चला गया। अब एक दफ़ा स्लेज हैमर कर रहे हैं आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और अब इसी पेयर को वापस ला के दोबारा एक दफ़ा स्लेज हैमर कर रहे हैं। डैट्स ऑल, मैंने कहा था ना जिसको स्लेज हैमर आता है उसको ये सारा आता है पहले ही। खैर दूसरे केस की बात कर लेते हैं। दूसरा केस पिछले वाले से भी आसान है। ऊपर से डॉट है, साइड पे एक तरफ बार है और दो तरफ ब्लॉक है, एक इधर और एक इधर, आमने सामने ब्लॉक्स हैं और एक इधर बार है। केस बहुत इजी है रिकॉग्नाइज करना। ऐसी स्थिति में भी हम बार को रखेंगे लेफ्ट में, तो हमारा एक ब्लॉक फ्रंट पे आ जाएगा, एक बैक में आ जाएगा, और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। यार बहुत आसान एल्गोरिथम है। एफ सेक्सी मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, और ये पी केस किसको सॉल्व नहीं करना आता, स्मॉल एफ सेक्सी मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम और स्मॉल एफ प्राइम। ओह भाई मैंने कहा था ना जिसको सेक्सी मूव आता है और स्लेज हैमर उसको ये पहले ही आता है, दो केसेस सीख भी लिए हमने। अगले दो केसेस कुछ इस किस्म के हैं। एक डॉट है, लेकिन लेकिन एक
कॉर्नर के टॉप पर भी हमें येलो मिल रहा है, कोई भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी एक कॉर्नर के टॉप पर येलो। बट इसकी खासियत ये है कि हमें साथ में कुछ ब्लॉक्स भी मिल रहे हैं, ये देखो ये भी ब्लॉक्स हैं, ये भी ब्लॉक्स हैं। अच्छा, जब ऐसा केस आए कि जब एक के कॉर्नर के टॉप पे येलो हो तो हम उस कॉर्नर को राइट में ले आएंगे, राइट फ्रंट में, राइट लेफ्ट में नहीं, ये लेफ्ट में चला गया, राइट फ्रंट में, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ब्लॉक मिल रहा है या नहीं, इस केस में तो यहाँ पे ब्लॉक है, जबकि इस केस में यहाँ पे ब्लॉक नहीं है। अच्छा, अगर तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं है तो ये एल्गोरिथम लगाएंगे जो तुम लोगों को पहले ही आता है, स्मॉल एफ सेक्सी मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल एफ प्राइम, और ये एक टी केस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसको नहीं ये सॉल्व करना आता, एक दफ़ा यू प्राइम करके हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे एफ सेक्सी एफ प्राइम से। हाँ बस यही है यार, मजाक है ये डॉट वेलल। अच्छा, और दूसरा केस जो है, जब हमने देखा कि एक कॉर्नर के इधर येलो हम इधर ले आए और यहाँ पे हमें एक ब्लॉक मिल गया, अब हमने क्या करना है, हमने इस ब्लॉक को, इस कॉर्नर को थोड़ा सा इधर भेज देना है, एक दफ़ा यू प्राइम कर देंगे, ये कॉर्नर इधर चला जाएगा और ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम एल्गोरिथम है, सेम, बस एक यू प्राइम का फर्क है। अच्छा देखो, स्मॉल एफ सेक्सी एफ प्राइम, अब ये भी टी केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यू करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे एफ सेक्सी एफ प्राइम। ओए यार ये क्या हो रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है यार। नहीं यार ब्रो, ये ऐसे ही है, डॉट केसेस ऐसे ही है, ये एक मजाक ही है, लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है नहीं, ये ऐसे ही सॉल्व होते हैं यार। ये है हमारे अगले दो केसेस, एक एक डॉट मिल रहा है बट दो दो ओरिएंट कॉर्नर्स हैं, दो कॉर्नर के टॉप पर येलो है, बट जब हम साइड पे देखते हैं ना तो इसके एक हमें बार मिल रही है, ठीक है, एक तरफ एक बार मिल जाती है, जबकि यहाँ पे कोई बार नहीं मिलती, हमें यहाँ पे ये दो ब्लॉक्स मिल जाते हैं। अच्छा, जिसके बार मिल जाती हैं, टॉप पे इस तरह वी बना हुआ है और एक बार है, तो हम इस बार को रख देंगे लेफ्ट साइड पर, हाँ, और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। पहले फिंगर ट्रिक्स देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ याद कैसे करना है। आर यू टू प्राइम आर टू प्राइम एफ आर एफ प्राइम यू टू प्राइम एम, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह करता हूँ, एम प्राइम यू आर यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम। अच्छा, इस केस को आप लोगों ने याद कैसे करना है, सिंपल सीन जा रहा है भाई, ये पीस हम यहाँ पे भेज रहे हैं आर यू टू आर प्राइम से, ये पीस इधर आ गया, एक दफ़ा स्लेज हैमर कर रहे हैं, इस पीस को दोबारा वापस ला रहे हैं, जब ये वापस आ जाता है तो हम एक दफ़ा जो मिडल लेयर है उसको ऊपर कर देते हैं और एक दफ़ा इनवर्स सेक्सी कर देते हैं यू आर यू प्राइम, बट एंड वाला जो आर प्राइम है ना वो स्मॉल आर में कन्वर्ट हो जाता है। डैट्स ऑल यार, इस पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये बहुत आसान है। और रही बात जो दूसरा केस था हमारा, उसको हमने आखिर कैसे सॉल्व करना है भाई, मतलब ये पिछले जैसे ये एक वी बना हुआ है और यहाँ पे हमें दो ब्लॉक्स मिल रहे हैं, बार नहीं मिल रही, तो जब ब्लॉक्स मिल रहे होंगे एक को हमने राइट में रखना है, एक को लेफ्ट में रखना है। अच्छा, अब ऐसे भी राइट और लेफ्ट में रखा जा सकता है? नहीं, हमने वी, ये वी नहीं बन रहा, ये ऐसे वी बन रहा है, ये ऐसे वी बना नजर आए, ये दो कॉर्नर बैक में रहे, एक को अब ब्लॉक को लेफ्ट में, एक को राइट में रखेंगे और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। पहले फिंगर ट्रिक्स देख लो, फिर बताता हूं याद कैसे करना है। एम, अच्छा मैं यहां पे एम ऐसे करता हूं, एम बहुत इजी है यार, यू आर यू आर प्राइम यू प्राइम एम प्राइम और आर प्राइम, यार स्लेज हैमर, यार तुम लोग समझ गए ना यार, पता नहीं कहाँ जाती है मसल मेमोरी जब हम ये एल्गोरिथम्स बताने लगते हैं। खैर, फिंगर ट्रिक्स तुमने देख ली, मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने याद कैसे करना है इसे। देखो भाई, सबसे पहले दो मूव्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे जो कि हैं एम और यू, इतना सा याद कर लो। उसके बाद तुम लोगों ने सेक्सी मूव करना है आर यू आर प्राइम यू प्राइम, जब इतना कर लोगे तो इस एम को ठीक कर देना है एम प्राइम करके, और लास्ट एक दफ़ा स्लेज हैमर करना है आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और ये सॉल्व हो जाएगा। शायद अब तुम लोगों को समझ आ रही हो जो शुरू में मैंने तुमको कहा था ना कि सेक्सी मूव और स्लेज हैमर जिसको आता होगा वो उसको ये पहले ही आते हैं, क्योंकि कोई ऐसा एल्गोरिथम अभी तक नहीं आया जिसमें सेक्सी मूव या स्लेज हैमर का इस्तेमाल ना हुआ हो। आखिरी दो केसेज हैं, सबसे आसान केसेज हैं और उसके बाद ओएलएल की सीरीज खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। फाइनली आखिरी दो केसेस,
ये सबसे ही अलग है, ये देखते ही तुम लोग रिकग्नाइज कर लोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक क्रॉस बना हुआ है, इसको कहीं से भी होल्ड करके एल्गोरिथम लगा सकते हो, इस पर बाद में बात करते हैं। क्रॉस बना हुआ है, कहीं से भी तुम लोग पकड़ लो, ये देखते ही तुम लोग समझ जाओगे क्रॉस है एक बना हुआ, कितना क्यूट है यार। खैर इसको सॉल्व कैसे करना है तुम लोगों ने मैं बताता हूँ, पहले फिंगर ट्रिक्स देख लेते हैं फिर बताता हूँ एल्गोरिथम कैसे याद करना है। एम, अच्छा एम मैं ऐसे ही करता हूँ एम, क्योंकि यही एफिशिएंट तरीका है। यू आर यू R प्राइम U प्राइम, अब यहां पे बारी है M2 की, M2 मैं कुछ इस तरह करता हूं M2 U R U प्राइम स्मॉल R प्राइम। अब बताता हूं तुम लोगों ने इसको लर्न कैसे करना है भाई, पहले दो मूव्स तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे M और U, हो गए याद, एक दफा सेक्सी मूव करो R U R प्राइम U प्राइम। अब जो मिडल लेयर है उसको दो दफा तुम लोगों ने घुमाना है, एक दफा घुमाया दो दफा घुमाया, और अब इनवर्स सेक्सी कर दो यार U R U प्राइम स्मॉल R प्राइम, क्योंकि अगर R प्राइम करोगे तो ये रह जाएगा, स्मॉल R प्राइम कर दो बस, आखिरी वाला जो R है ना वो स्मॉल R में कन्वर्ट हो गया। हाँ यार इस पे ज़्यादा हम क्या डिस्कशन करें, ईजी सा फॉर्मूला है, और लास्ट एल्गोरिथम पे चलते हैं। ये है लास्ट केस, तुम लोग देख सकते हो बस एक लाइन ऐसे ना ऐसे क्या करेंगे कहेंगे इसको डायगोनल जो भी कहेंगे, और दो ब्लॉक्स मिल जाते हैं तुम्हें, तो ऐसी कंडीशन में हमने एक ब्लॉक को लेफ्ट पे और एक को बैक में रखना है। हाँ यार ये इसकी होल्डिंग पोजीशन रहेगी, एक लाइन मिल रही है, दो ब्लॉक्स मिल रहे हैं, एक ब्लॉक को लेफ्ट में रख दिया एक ब्लॉक को बैक में रख दिया, और ये एल्गोरिथम लगाना है। पहले फिंगर ट्रिक्स देखो फिर बताता हूँ लर्न कैसे करना है। आर यू आर प्राइम यू R प्राइम F R F प्राइम U टू R प्राइम F R F प्राइम। इस एल्गोरिथम को याद करना इंतहाई आसान है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं R U R प्राइम से, इस पेयर को एक दफ़ा आगे भेज रहे हैं, अब एक दफ़ा स्लेज हैमर कर रहे हैं हम, और अब इस पेयर को वापस उसके ऊपर ला के एक दफ़ा और स्लेज हैमर कर रहे हैं R प्राइम F R F प्राइम, और फाइनली हमारा OLL हमेशा के लिए ख़त्म। वन लुक OLL की इससे बेहतरीन सीरीज़ YouTube पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं ऐसी बातें आमतौर पे नहीं करता, लेकिन कसम से इससे बेहतरीन सीरीज़ अगर तुम्हें मिल जाए OLL की, वन लुक OLL विदाउट एल्गोरिथम्स किसी ने इस तरह सिखाया हो, तो भाई मुझे मैसेज कमेंट कर देना, ये सीरीज़ को डिलीट कर दूंगा मैं। और इसी के साथ तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों ने अभी तक लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है, उसमें हम क्या कर रहे हैं रूबिक्स क्यूब को 10, 11, 12 सेकंड्स में सॉल्व करना, तुम ओ भाई सॉल्व करना तुम लोगों को सिखा रहे हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि जिस तरह मैं रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर रहा हूं, तुम भी करने लग जाओ, वो भी बिना कोई पैसा दिए, फ्री यूट्यूब पे वीडियोस देख के, तो तुम लोग लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज़ को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसी के साथ मैं चलता हूं, आने वाली वीडियोस में PLL को डिस्कस करेंगे, 4 दिनों में PLL को ख़त्म करेंगे, और उसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे कि इस क्यूब को आखिर तुम लोगों ने अब ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कैसे करनी है और इसका मास्टर कैसे बनना है। तब तक के लिए यार सब्सक्राइब कर लो, और गुड बाय यार, गुड बाय।